वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए, आपको एक लंबा ब्रेक मिला कल, आई होप आपने आपकी मनोकामनाएं पूरी कर दी रहेगी। एक ही तो मनोकामना है आपकी पूरी जिंदगी में, वो है सोना, है ना। आई एम श्योर ये टाइम तक तो आप उठे ही नहीं रहेंगे, है ना। कुछ लोग हैं एक्सेप्शन है कुछ लोग, बट अदरवाइज बाकी लोग तो है ना, मन भर कर सोना। हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड योर डे बाय 7 टुमॉरो यस्टरडे, स्टार्टेड योर डे बाय 7 यस्टरडे ऑल्सो, 7 AM। वाओ, फिर भी अच्छे लोग, गुड गुड। हाँ, उठने के बाद सो गए तो स्टार्ट किया मगर किक स्टार्ट ही नहीं हुआ। चलो सही है, बाद में अगली बार कब उठे वो नहीं बोला तुमने मगर। चलिए गाइस, हमें भी लगता है कि आपको ब्रेक्स की जरूरत होती है, इसलिए संडे वी वॉन्ट हैव सेशंस, ओके। एंड आई एम सेइंग दिस पर्पसफुली बिकॉज इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन मी ऑल्सो ना, आई शुड नॉट टेक लेक्चर्स, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। लाल, अच्छा ठीक है, तो फिर प्रूव कर लेते लाल को आपके, है ना। अभी कमिंग संडे फिर सेशन ले लेते फिर एक बार, फिर बोलो थैंक यू सर, बोलो फिर लाल, नहीं थैंक यू सर बोलना चाहिए आप। चलिए, हमने लास्ट सेशन में जो देखा था उसे रिवाइज करना है। सब लोग रेडी है क्या? और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब लोगों का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए, एवरीबडी। चलिए, सो गाइज, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका रिवीजन हो गया। हमने कल पहली बार जो देखा था उसका रिवीजन करते हैं। कॉस्ट ऑफ डैश कैपिटल इज मोर, डैश कैपिटल इज मोर, इक्विटी कैपिटल इज मोर। व्हाई? टू रीजंस। नंबर वन, हायर एक्सपेक्टेशंस, आप रियल ओनर्स हो। एंड लास्टली, नो टैक्सेस ऑन डिविडेंड पेड। इनका कॉस्ट कम है डेट वालों का, बिकॉज फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन, लोअर एक्सपेक्टेशन नहीं, फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन। एंड दूसरा, टैक्सेस ऑन इंटरेस्ट। बाय द वे, टैक्स शील्ड क्या होता है? सेविंग्स इन टैक्सेस, एनीथिंग डेबिटेड टू पीएनएल एंड इज अलाउड फॉर इनकम टैक्स ऑल्सो। क्या बोला, समझा? ऐसा समझो, इनकम टैक्स जिस एक्सपेंस को लेस करना अलाउ करता है उसे हम टैक्स शील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, उससे हमें टैक्स सेविंग होता है। क्या डेप्रिसिएशन से हमें टैक्स शील्ड मिलेगा? यस। क्या डेप्रिसिएशन आपका आउटफ्लो है? नहीं, मगर वो आपका एक्सपेंस है, करेक्ट। क्या ऐसा आइटम है जो एक्सपेंस है मगर आउटफ्लो नहीं है? वो है डेप्रिसिएशन। कोई ऐसा आइटम है जो आउटफ्लो है मगर एक्सपेंस नहीं है? डिविडेंड। यस, वेरी गुड। नाउ द रिस्क ऑफ डैश कैपिटल इज हाई, डेट कैपिटल रिस्क हाई होता है। कितने रीजन से? फिर से दो रीजन से। नंबर वन, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज इंटरेस्ट। एंड दूसरा, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो मुझे बताओ इनके केस में क्या होता है? देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, नंबर वन। नंबर टू, नो ऑब्लिगेशन टू रीपे, ओनली इन टू केसेस मनी इज रिफंडेड, बायबैक ऑफ शेयर्स एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। आई होप सब लोग कंफर्टेबल है। तो ये दो पॉइंट्स हमने सिर्फ मतलब डिस्कस नहीं किए, लिखा भी आपके नोट्स में हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे गए थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन थोड़ा टाइम रुक के करेंगे। अब थोड़े और कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे जाएंगे, ठीक है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दोस्तों फाइनेंस फंक्शन, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज फाइनेंस फंक्शन, ओके। व्हाट इज एग्जैक्टली फाइनेंस फंक्शन? इट इंक्लूड्स थ्री आइटम्स। इट इंक्लूड्स FDI। FDI तो सबको पता है, इट्स नॉट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हियर, बट FDI पता है सबको। रिमेंबर लॉजिक के हिसाब से, आपको याद रहने के हिसाब से मैंने FDI लिखा, इट इज FID।
बट याद रहने के एंगल से कौन से तीन पॉइंट इज एफ डी आई। पहला पॉइंट जो एफ आता है फाइनेंस फंक्शन में, फाइनेंस फंक्शन मतलब मनी रिलेटेड फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन मतलब मनी रिलेटेड फंक्शन। तो पहला आता है प्रोक्योरमेंट, जिसका नाम हमने एफ, वेरी गुड, क्या बोला था, फाइनेंसिंग फंक्शन बोला था, याद है ना सबको। तो फाइनेंस फंक्शन में सबसे पहली चीज आती है फाइनेंसिंग फंक्शन। व्हाट इज फाइनेंसिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, देखो मिलते जुलते टर्म्स है फाइनेंस फंक्शन एंड उसके अंदर का एक पॉइंट है फाइनेंसिंग फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन मतलब मनी रिलेटेड फंक्शंस, उसमें पहला आता है प्रोक्योरमेंट दैट इज फाइनेंसिंग, समझे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मिलते जुलते वर्डिंग्स है मगर मीनिंग वाइज सोचोगे तो अलग चीज है, ओके। देन दूसरा आता है प्रोक्योरमेंट हो गया, अभी यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, यस इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, करेक्ट, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन गाइस, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स दैट शुड गिव यू मैक्सिमम रिटर्न्स। तो मनी रिलेटेड डिसीजन में ये दो चीजें तो हमने एक और नाम से पढ़ी थी, ये दो चीजें हमने एक और नाम से पढ़ी थी, टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, याद आया। तो अगर क्वेश्चन आता है टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो भी तब भी आप यही दो चीजें लिखे वाले हो, मगर फाइनेंस फंक्शन पे एक नोट आया, अगर शॉर्ट नोट, राइट, अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंस फंक्शन, तो आप ये दो चीजों के अलावा एक और चीज लिखोगे डी, डी से होता है डिविडेंड डिसीजंस, करेक्ट। तो फाइनेंसिंग फंक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया आपका, एंड लास्टली डिविडेंड डिसीजन। आई होप ये तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए पहले, तो इनके बारे में फिर से डिस्कशन करने में कोई सेंस नहीं बनेगा, बट आपको पता है ये तीनों के अंदर क्या लिखना होता है। व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन बाय द वे, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो रिटेन किया उससे रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अलावा एक और नाम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसे डिविडेंड बोलते हैं, सिंपल। आई होप सबको पता है ये बात। अच्छा बाय द वे, आपने बीसीके में ये सुना होगा, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में, काफी लोग डायरेक्ट एंट्री से भी हो सकते हैं, उन्होंने सुना नहीं होगा, अ कंपनी विच कंसिस्टेंटली पेज डिविडेंड इज कॉल्ड डैश कंपनी, उसके स्टॉक को डैश स्टॉक बोला जाता है, ब्लू चिप नहीं, डिफेंसिव स्टॉक, क्या बोलते हैं उसे, डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक मतलब क्या, सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करता है पर शेयर, पिछली बार से थोड़ा ज्यादा पे करेगा तो अगली बार हर बार वही ज्यादा पे करेगा, मतलब कभी वो अपने डिविडेंड्स कम नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी क्या करती है, पर शेयर 2 रुपीज का डिविडेंड देती है, तो 2 2 2 2 देगी, 2.5 पे शिफ्ट हो गए तो 2.5 कंटिन्यू रहेगा, फिर 2 पे नहीं आएंगे हम लोग। इससे क्या होता है सर, इससे इन्वेस्टर्स के माइंड में मेरी कंपनी का इमेज स्टेबल बन जाता है। जस्ट इमेजिन कोरोना वायरस आया था 2 साल, अभी भी चल रहा है, कोरोना कोई खत्म नहीं हुआ है। तो ये वायरस जब स्टार्टिंग में आया था, वर्ल्ड में बोलो इंडिया में बोलो जब भी, तो गाइस इस वक्त सबके बिजनेसेस डाउन थे, उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी काफी बिजनेसेस की क्या हो गई, कम हो गई, मगर उस फेज में भी अगर मेरी कंपनी 2 रुपए पर शेयर ही डिविडेंड दे, अगर आप इन्वेस्टर्स है मेरी कंपनी में, पिछले 5 सालों से 2 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया जा रहा है, कोरोना वायरस के फाइनेंशियल ईयर में भी 2 रुपीज पर शेयर ही दिया गया, तो आपके माइंड में मेरी कंपनी के लिए स्टेबिलिटी वाला इमेज क्रिएट हो जाएगा। क्या सोचोगे आप कि कंपनी में डाउनफॉल नहीं है, कंपनी जितना डिविडेंड पहले देता था अभी भी उतना ही दे रहा है, मतलब कंपनी का अर्निंग मॉडल स्टेबल है। इससे आप मेरी कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाओगे या आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। वर्सेस इसकी अगर मेरी कंपनी ऐसा करती थी कि मेरी कंपनी आपको कभी डिविडेंड्स 3 रुपए देती थी, कभी 1 रुपया, कभी 0 रुपीज, कभी 4 रुपए, आप समझ रहे हो, कोरोना वायरस आया 0 रुपीज, तो उस केस में क्या हो गया, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था फिर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
ये जो कंसेप्ट होता है ये बोलता है कि इन द इयर्स ऑफ हाई प्रॉफिट्स डोंट पे हाई डिविडेंड्स, ट्रांसफर द अमाउंट टू अ फंड कॉल्ड एज डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। क्या नाम है उस फंड का? डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, उसमें ट्रांसफर कर दो। एंड इन द इयर्स वेर यू हैव लेस अर्निंग्स अगेन पे सेम डिविडेंड। इफ योर अर्निंग्स आर नॉट दैट टू दैट मार्क, आपके अर्निंग्स कम गिर रहे हैं, तो आपका एक्स्ट्रा पैसा कहां से लाओगे आप? विड्रॉ फ्रॉम डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। नाम से समझ रहा है क्या? डिविडेंड इक्विलाइज करने के लिए वो फंड बना हुआ है, समझे क्या? तो ये कंसेप्ट कौन सी कंपनी फॉलो करती है? डिफेंसिव स्टॉक वाली कंपनी। क्यों फॉलो करती है? ताकि कंपनी इन्वेस्टर्स की नजरों में कंपनी का इमेज स्टेबल बने और कंपनी के शेयर्स का वैल्यू बढ़े। गॉट इट? सो ये होता है डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में। तो अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंस फंक्शन, तो आप ये तीन पॉइंट लिखोगे, ठीक है? ये आपको पेज नंबर 4 पे मिलेंगे आपके नोट्स में। पेज नंबर 4 पे मिलेगा। सो इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ फर्म इज अ फंक्शन ऑफ एफ आई डी। मिला क्या ये सेंटेंस आपको वहां पे? वैल्यू ऑफ अ फर्म वी, वैल्यू ऑफ अ फर्म वी इज अ फंक्शन ऑफ एफ, ऐसा कर्सिव एफ लिखा रहता है एक्चुअली, ठीक है? फंक्शन तो पता होगा ना आपको, इकोनॉमिक्स में काफी बार यूज होता है ना, डिमांड ऑफ गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई वगैरह। तो वैल्यू, इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ अ फर्म इज डिपेंडेंट ऑन हाउ यू टेक फाइनेंसिंग फंक्शन, हाउ यू टेक इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड यू हाउ यू मेक डिविडेंड डिसीजंस। आपके फर्म की वैल्यू इन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आपको एक चीज दिखेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरव्यू। मिला क्या सबको? ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस, दिस कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरव्यू। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द केस हियर? सर आपके बुक का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा क्या? यस, टुडे आई विल अपडेट द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, एंड टेलीग्राम चैनल पर भी वो अपडेट हो जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप फॉलो नहीं करते तो कर लो, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, दोज हु आर वॉचिंग ऑनलाइन। एंड चैनल नेम इज सी ए प्रशांत सड़ा इंटरमीडिएट। आई विल डू वन थिंग, आई विल शेयर द चैनल लिंक ऑल्सो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, ओके? सो गाइज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरव्यू मतलब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ओवरऑल क्या देखते हैं और हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू। ध्यान से सुनो दोस्तों, फाइनेंस मैनेज क्यों करना है अगर ये बात पूछी जाए तो दो रीजन हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म एंगल से और एक लॉन्ग टर्म एंगल से। शॉर्ट टर्म एंगल से फाइनेंस मैनेज करने का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म एंगल से रहेगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इट शुड बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? इंक्रीजिंग वैल्यू पर शेयर। परसों के सेशन में हमने, मतलब लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था याद है? अंबानी का वेल्थ, शेयर वैल्यू अचानक से रिलायंस इंडस्ट्री का बड़ा और वापस से ओवरटेक कर दिया अंबानी ने इन टर्म्स ऑफ रिचेस्ट पर्सन, करेक्ट? तो ऐसे केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू मेंटेन एंड ग्रो इट्स शेयर वैल्यू। ये लोग मेरे कंपनी के रियल ओनर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन्होंने मेरी कंपनी पे विश्वास करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। मेरे कंपनी का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इनका वेल्थ कम नहीं हो,
इनका वेल्थ इनफैक्ट ग्रो होना चाहिए, करेक्ट। ऑब्वियसली टू अचीव दिस आई हैव टू बी इन प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाओगे तो लॉन्ग टर्म में शेयर वैल्यू बढ़ेगी। आजकल फाइनेंस वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी की शेयर वैल्यू भी बढ़ रही है, वो अलग बात है। देयर आर सो मेनी लॉस मेकिंग कंपनी जिनकी शेयर वैल्यूज बढ़ रही है, आपने पता है, आपको पता है ये बात। देयर आर सो मेनी नॉट एबल टू परफॉर्म बट स्टिल शेयर वैल्यू बढ़ रहा है, क्यों? बस हवा हो रही है ना, फंडिंग मिल रहा है सीरीज ए सीरीज बी, ये फंडिंग मिलते साथ ही और ज्यादा एडवर्टीजमेंट, और ज्यादा ब्रांडिंग, और ज्यादा गुडविल। बट इन रियल टर्म्स अगर उनके फाइनेंशियल्स ओपन करके देखेंगे तो उनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। इसीलिए फिर कुछ टाइम बाद जब फंडिंग खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली कंपनी बंद हो जाती है। इनफैक्ट एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा हो रहा है, परसों के न्यूज में था, जो कोरोना वायरस फेज में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ये कंपनीज उस फेज में अच्छा परफॉर्म की बट लॉसेस में ही थे उस वक्त भी, और आज फिर सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। सो योर बिजनेस मॉडल शुड बी सच दैट यू शुड फोकस ऑन बोथ द ऑब्जेक्टिव, यू शुड फोकस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एज वेल एज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इजी है, एक्चुअली इजी है, मगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिफिकल्ट टू अचीव। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब शेयर वैल्यूज बढ़ाना, करेक्ट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू डिपेंड करता है आपके फाइनेंस फंक्शन पर। किस पर डिपेंड करता है? फाइनेंस फंक्शन पर डिपेंड करता है, मतलब किस पे करता है? तीन चीजों पर करता है एवरीबॉडी। फाइनेंस फंक्शन में पहली चीज आती है फाइनेंसिंग फंक्शन, करेक्ट, मतलब व्हाट? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ओके। फिर दूसरी चीज यहां पे क्या आती है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज नथिंग बट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, करेक्ट। एंड लास्टली डिपेंड्स ऑन डिविडेंड डिसीजंस, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड, करेक्ट। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है आपका शेयर वैल्यू, एंड ये तीनों चीजों के साथ एक्चुअली आती है रिटर्न एज वेल एज रिस्क। इन तीनों चीजों के साथ क्या आता है? रिटर्न भी आता है एंड रिस्क भी आता है। गाइस, जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, करेक्ट। जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा मुझे मिलेगा रिटर्न्स, बट एट द सेम टाइम जैसी पैसा प्रोक्योर किया, फाइनेंस लाया बिजनेस में, तो क्या मिलेगा मुझे? रिस्क। किस चीज का रिस्क सर? पीरियोडिक रिटर्न्स देने का रिस्क, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने का रिस्क, करेक्ट। ये सर नो, चलो माना कि ये लोग लेस रिस्की है। क्यों लेस रिस्की है? क्योंकि वो पीरियडिकली मुझे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मांगेंगे। माना कि ये लोग लेस रिस्की है बिकॉज ये मुझे अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मांगेंगे। मगर डोंट यू थिंक कि एज अ कंपनी मैंने इनसे पैसा लिया है तो मेरे पास रिस्क है कि इनको भी कुछ रिटर्न देने है ना, भले फिक्स नहीं देने मगर रिटर्न तो देने है। यस, द मोमेंट आई प्रोक्योर द फंड्स रिस्क आ जाती है, द मोमेंट वी इन्वेस्ट द फंड्स ऑब्वियसली रिटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने क्या करना चाहिए? इन दोनों के बीच बैलेंस करना चाहिए, जिसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। इन दोनों के बीच बैलेंस करना चाहिए, जिसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब व्हाट? बैलेंसिंग द रिस्क एंड रिटर्न। ऑल ऑफ यू नो वन कंसेप्ट, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। दैट डज नॉट मीन टेक हाईएस्ट रिस्क, इट सिंपली मीन्स टेक बैलेंस रिस्क। आई होप ट्रेड ऑफ ये लॉजिक क्लियर हो गया। ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंस करो, अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए रिस्क को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हम लोग, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ दिस क्लासरूम, इफ आई टेक बाजू का वी स्मार्ट का भी क्लासरूम, इफ आई टेक पूरा प्रेस्टीज पॉइंट, ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू टीच मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट राइट है ना। बट उतने स्टूडेंट्स भी आने चाहिए ना, समझे कि नहीं कुछ? तो भले ही तुम्हें लग रहा है ये क्लासरूम का सिटिंग कैपेसिटी 600 है और ऑलमोस्ट 80% तो फुल हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि इसको देखकर मैं बोलूं अभी विशाल सर कल से आपका क्लासरूम दे दो, हाँ रेंट ले लो रेंट ले लो, जो लेना है ले लो। क्या होगा? उनका भी 400 कैपेसिटी का क्लासरूम है, 500 कैपेसिटी का क्लासरूम है, वो भी ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? रेंट इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे, बट कितने? फुल भी तो होना चाहिए ना। रिस्क लेना चाहिए मगर एक लेवल तक लेना चाहिए, सही है ना। हमने फर्स्ट डे से ये क्लासरूम रेंट पे लिया है क्या? फर्स्ट डे से ये क्लासरूम लिया रहेगा क्या? आपको क्या लगता है?
कंपनी फॉर्म किया, कोचिंग क्लास, एंड फर्स्ट डे 600 कैपेसिटी का क्लासरूम स्टार्ट, फिर आए बच्चे छह, नाम ही नहीं है मार्केट में, कुछ समझ रहे हो आप? वी स्टार्टेड विद सिक्स एक्चुअली, एंड धीरे धीरे ग्रो होकर वी रीच दिस। तो ऑब्वियसली पहले हमने एक छोटा क्लासरूम स्टार्ट किया 50 कैपेसिटी का, फिर धीरे धीरे उसे एक्सपांड किया 100-200, फिर धीरे धीरे वो भी कम गिरने लग गया, एक्सपांशन हुए। इस तरीके से रिस्क बढ़ी और रिटर्न्स भी बढ़े। सडनली छह बच्चे आ गए इसलिए अगली बैच में 100 आएंगे, ये सोचना ही गलत है ना। तो वैसे ही बिजनेस मॉडल्स भी होते हैं, आपके बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको बहुत मौका मिलता है रिस्क लेने का, रिटर्न कमाने का, बट यू हैव टू टेक बैलेंस्ड रिस्क एंड यू हैव टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न्स इन दैट, समझे? सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी को डिस्कस करते करते हमने दो चीजें डिस्कस की, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके नाउ फ्रेंड्स, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर आपको एक कॉन्सेप्ट दिखेगा, ये डिस्कस किया था अभी अपने जस्ट। ओके, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? इंक्रीजिंग वैल्यू पर शेयर, एवरीबॉडी, इंक्रीजिंग वैल्यू पर शेयर इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लिख दो चाहिए तो उधर, इंक्रीजिंग वैल्यू पर शेयर। इसी के बिल्कुल आगे आपको उसी मतलब पेज पे, पेज नंबर 5 पर फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर मिलेगा। मिला? डोंट यू थिंक कि ये फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर हमने डे नंबर 1 पे कवर किए? फाइनेंस मैनेजर क्या क्या करता है ये हमने डे नंबर 1 पे कवर किया है, इसमें सिर्फ थोड़ा चेंजेस रहेगा डिस्कशन करते वक्त। सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर का फंक्शन अपन ने बोला था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, बट प्रोक्योरमेंट करने के पहले फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि कितना पैसा रिक्वायर्ड है, करेक्ट? प्रोक्योरमेंट अपन ने कितना किया था एग्जांपल में 100 करोड़, बट 100 करोड़ नंबर कहां से आया था? एक दिन पहले बैच के सपना आया था, बैच का एग्जांपल। ये क्लासरूम में डिस्कस करना बहुत इजी है, 100 करोड़ चाहिए, बट 100 करोड़ कैसे थे, क्यों चाहिए, 100 करोड़ का फिगर कहां से आया, ये होता है फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। क्या बोलते इसे? फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। फाइनेंस मैनेजर बन के सोचो, कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी को 100 करोड़ का अमाउंट कहां से मतलब कैलकुलेट करके मिला होगा? कंपनी ने सोचा होगा फिक्स एसेट्स कितने के बाय करने हैं, उनकी कोटेशंस लिए रहेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल में स्टॉक कितने का लगने वाला है, बैंक बैलेंस कितना रखना पड़ेगा, करेक्ट? कैश में कितना बैलेंस रखना पड़ेगा, डेटर्स को क्रेडिट पर बेचने के लिए पैसा ब्लॉक्ड रहेगा वो कितना रहेगा, पूरा वर्किंग करना पड़ा होगा, और फिर डिसाइड किया होगा कंपनी ने कि कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है, 100 करोड़, करेक्ट? तो फिर फर्स्ट चीज आ जाती है फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन, ये आपके पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक है? एवरीबॉडी इफ यू वांट राइट इट विथ मी इन योर नोटबुक्स ताकि समरी भी रेडी हो जाए। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, CFO भी बोलते हैं इसे, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। एंड फर्स्ट थिंग इज फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। आपने कॉस्टिंग में बजट एंड बजटरी कंट्रोल पढ़ा है, बस तो फिर बजटिंग कर भी डिसाइड होता है कितना पैसा रिक्वायर्ड है मेरी कंपनी में। दूसरा फंक्शन, एक बार डिसाइड हो गया कि 100 करोड़ रिक्वायर्ड है, फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन पता चल गया 100 करोड़ है, फिर क्या करोगे आप? उसे प्रोक्योर करो, बट प्रोक्योर करने के लिए पहले डिसाइड करना पड़ेगा कितना पैसा कहां से आएगा, डेट से कितना लोगे, इक्विटी से कितना लोगे, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। यस, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? यस, डिसाइडिंग द मिक्स और कंपोजिशन ऑफ फंड्स। मिक्स और कंपोजिशन ऑफ फंड्स को क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? तो यहां पर सेकंड पॉइंट आएगा
कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करो, करेक्ट। पैसा आ चुका है, क्या करेंगे अभी? यूटिलाइज करेंगे, इसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट के वक्त टारगेट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम रिटर्न्स। प्रोक्योरमेंट के वक्त क्या टारगेट था? कॉस्ट रिलेटेड, लीस्ट कॉस्ट, याद है ना? यस। नेक्स्ट इज फोर्थ फंक्शन इज डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस इज व्हाट? हाउ मच टू बी रिटेन्ड एंड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। फिफ्थ फंक्शन वहां पर दिख रहा है आपको, कैश मैनेजमेंट। सर ये तो हमने नहीं पढ़ा सर। वेरी गुड, बरोबर है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ा ना आपने, तो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस मैनेज करना है। पूरा करंट एसेट एंड पूरा करंट लाइबिलिटी मैनेज करना है। पूरे करंट एसेट में एक पार्ट आता है कैश, उसको भी मैनेज करना होता है। गाइज आपके कंपनी में कैश मैनेज करना मतलब क्या? आपके कंपनी में कभी कैश जरूरत से कम नहीं होना चाहिए, ना जरूरत से ज्यादा होना चाहिए। चलो बताओ, कम हुआ तो क्या होगा? लिक्विडिटी क्रंच आएगा, उससे क्या होगा? कंपनी का गुडविल कम हो जाएगा, बिकॉज योर कंपनी वोंट बी एबल टू पे द एक्सपेंसेस ऑन टाइम, कंपनी वोंट बी एबल टू पे द रीपेमेंट ऑन टाइम अगर लिक्विडिटी क्रंच आ जाए तो, करेक्ट। चलो फिर एक काम करते, सरप्लस रख देते, उससे क्या होगा? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था? फंड शुड नॉट बी केप्ट आइडल इन द बिजनेस, याद आया ना? तो फिर फंड्स को आइडल नहीं रख सकते हम लोग बिजनेस में। अनइन्वेस्टेड फंड रहेंगे तो क्या होगा? रिटर्न्स विल बी जीरो। ऐसे कैश इन हैंड में पैसा रखने से ग्रो होता है क्या? फिर वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट ऑल्सो। वी नीड टू कीप अप्रोप्रिएट कैश बैलेंस। बट ये वर्ड अप्रोप्रिएट कैश बैलेंस साउंड्स गुड, बट निकलेगा कैसे? अप्रोप्रिएट मतलब जितना चाहिए, रिक्वायर्ड है उतना, बट रिक्वायर्ड है उतना मुझे कैसे पता चलेगा? एस्टिमेट करना पड़ेगा, फ्यूचर फोरकास्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कैश बजट। क्या करना पड़ता है? कैश बजट बनाना पड़ता है आपको। जैसे आपने कॉस्टिंग में प्रोडक्शन बजट बनाया होगा, सेल्स बजट बनाया होगा, करेक्ट, वैसे सेम यहां पर बनाना पड़ेगा आपको कैश बजट। सो कैश मैनेजमेंट कम्स अंडर दैट, वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट ही हो। फिर सिक्स्थ इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कितने टाइप के होते हैं ये? दो टाइप। कौन से दो टाइप है ये? इंट्रा एंड इंटर, करेक्ट। एंड वी यूज डैश टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। पूरा सेंटेंस एक बार फिर से, लंबा सेंटेंस याद नहीं रह रहा है जल्दी। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। टूल्स मतलब टेक्निक्स। टेक्निक्स कौन सी है? रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस। हमारे सिलेबस में ओनली रेशियो। बट जब मैं इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस लिख रहा हूं तो मुझे ये तीन नाम तो मेंशन करने पड़ेंगे ना। भले ही आईसीआर ने इंटर के सिलेबस में ये दिया होगा, मगर मुझे ये तीनों नाम मेंशन करने पड़ेंगे। समझे आप लोग? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सेवेंथ फंक्शन इज फाइनेंशियल निगोसिएशन। ये हमने नहीं देखा था। फाइनेंशियल निगोसिएशन ये हमने नहीं देखा था। व्हाट इज निगोसिएशन गर्ल्स? बार्गेनिंग। सो फाइनेंशियल निगोसिएशन मतलब आप बार्गेन करोगे। किससे बार्गेन करोगे आप एज अ फाइनेंस मैनेजर? बैंक्स, लेंडर्स ऑफ फाइनेंस, जिनसे हम पैसा प्रोक्योर कर रहे हैं उनसे हम बार्गेन करेंगे ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, करेक्ट। देयरफॉर फाइनेंशियल निगोसिएशन कम्स इनटू पिक्चर, करेक्ट। लास्टली मार्केट इंपैक्ट एनालिसिस। नाउ व्हाट इज दिस मार्केट इंपैक्ट एनालिसिस? लेट्स अंडरस्टैंड दिस लास्ट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है? आप मेरी कंपनी के
सीएफओ, क्या मेन ऑब्जेक्टिव आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बोला था मैंने, क्या इजी है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नॉट इजी। क्यों इजी नहीं, मैं आपको समझाता हूं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूं आप, मतलब ओनर में हूं इन शॉर्ट, और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, आप मेन मैनेजर्स हो, उसमें आप फाइनेंस मैनेजर भी हो, ठीक है। अब आपका आपका रोल क्या रहेगा कि बार बार आपके जो कंपनी के ओनर्स है वो आपको बोलेंगे कि शेयर वैल्यू बढ़ाओ। बट शेयर वैल्यू कैसे बढ़ती है, एक बार का प्रॉफिट कैसे बढ़ाओ, इज वेरी इजी। थर्ड स्टैंडर्ड में प्रॉफिट का फॉर्मूला सीखा था, सेल्स माइनस कॉस्ट। सो या तो सेल्स को बढ़ाना है या तो कॉस्ट को कम करना है, ये डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, ये बात सबको पता है, करेक्ट। ये दोनों स्ट्रेटजीज डिसाइड हो सकती है कि कॉस्ट कैसे कम हो एंड सेल्स कैसे बढ़े, करेक्ट एवरीबॉडी। बट शेयर वैल्यू कैसे बढ़ेगा, शेयर वैल्यू डिसाइड कैसे होता है? डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स का लॉजिक, ठीक है। तो आप देखिए, हमारी कंपनी है रिलायंस, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैं ओनर अंबानी। क्वांटिटी यहां पे शेयर का और यहां पर प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूं, भाई शेयर वैल्यू बढ़ाओ, शेयर वैल्यू बढ़ाओ। अदानी आगे जा रहे हैं, हमें भी जाना है, शेयर वैल्यू बढ़ाओ। आप बोलोगे यस सर वी आर डूइंग आर बेस्ट, यस सर वी आर डूइंग आर बेस्ट, और आप कॉन्स्टेंटली प्रेशर में हो कि शेयर वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ठीक है। आपने कंपनी के लिए बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग लिया और फिर आपको लगा कि ये डिसीजन मेकिंग से आप शेयर वैल्यू बढ़ेगी। आपके डिसीजन मेकिंग के पहले ये कंपनी के डिमांड शेयर्स का डिमांड कब था और ये कंपनी के शेयर्स का सप्लाई कब था, करेक्ट। डिमांड एंड सप्लाई कब, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब, राइट लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कब, आई होप सबको पता है ये बात। और यहां पर दोनों जहां इंटरसेक्ट होते हैं इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहां कंपनी का शेयर प्राइस डिसाइड हो गया और ये कंपनी का क्वांटिटी डिसाइड हो गया जो ट्रेड हो रहा है, ओके। अब आपने बोला सर वी आर नाउ विथ वन स्ट्रेटजी, वी आर कमिंग अप विद द स्ट्रेटजी जिससे आपकी शेयर वैल्यू बढ़ जाएगी सर। मैंने बोला वेरी गुड, व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी? फिर आपने डिस्कस किया मेरे साथ और मैंने बोला वेरी गुड, चलो एक काम करते हैं, आर यू श्योर कि इससे शेयर वैल्यू बढ़ेगी? आप बोलेंगे यस सर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो भी मेरे साथ स्ट्रेटजी डिस्कस की ये आप पब्लिक के साथ डिस्कस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हो और एक शेयर होल्डर की मीटिंग, ठीक है। लॉ टर्म्स में मुझे नहीं पता कि मीटिंग कब कॉल की जाती है, कितने दिन का नोटिस होता है, क्या होता है, फ्रेंकली मुझे याद भी नहीं है, मगर मीटिंग बुलाई अपन ने, ठीक है। और वो लीगलाइज्ड मीटिंग थी, ठीक है, वो जो भी लॉ के कंप्लायंसेस थे वो करके मीटिंग कॉल की अपन ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते क्या बोलते पता नहीं, ठीक है। एजीएम तो एनुअल रहेगा ना रे, अब ईजीएम, हाँ ओके। तो हमने बुलाया मीटिंग और कॉल किया, शेयर होल्डर हमारे सामने, ये तुम लोग जो ना वो सब शेयर होल्डर्स हो, हर एक जन यहाँ पे, अगर यहाँ पर ट्रैवल करके आया मतलब आपके पास हजारों एंड लाखों शेयर्स है मेरी कंपनी के, भाई साहब 10-20 शेयर के लिए इधर आते भी नहीं आप, इन्वाइटेड रहते मगर आते थे क्या आप, मगर आपके पास किसी के पास 5,000 शेयर है, किसी के पास 10,000 है, किसी के 25,000 है, उसके पास लाख शेयर है, ऐसे सब लोगों के पास अच्छे खासे शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 1800-2000 है, ठीक है, रिलायंस है बस, कम मत समझो। एंड यहां पर डायस पे हमारे मेन डायरेक्टर्स है, उसमें से आप भी हो फाइनेंस फंक्शन, एक फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। और आपने अनाउंस किया पब्लिकली, क्या अनाउंसमेंट किया, अभी ध्यान से सुनो, सब लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए यहां पर, आपके पास शेयर्स है याद रखो, ठीक है। तो अनाउंसमेंट हुआ कि लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग आवर कंपनी सिंस सो मेनी इयर्स एंड वी आर हियर टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में भी काफी शेयर होल्डर्स जुड़े और अनाउंसमेंट हो रहा है, नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एंटरिंग इनटू आईटी सेक्टर, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एंटरिंग इनटू आईटी सेक्टर्स, यू ट्रस्टेड अस इन एवरी पॉसिबल सेक्टर राइट एंड देयरफॉर वी आर नाउ एंटरिंग इनटू आईटी सेक्टर। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, ताली तो बजाओ यार,
अब ये अनाउंसमेंट करते वक्त ये जो आप ताली बजा रहे हो उस वक्त कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, रिलायंस बॉस मान गए रिलायंस को, है ना, क्या क्या अमेजिंग कंपनी है, जूते चप्पल तो बेचते ही है, फुटप्रिंट्स रिलायंस फुटप्रिंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, फाइनेंस में है, कम्युनिकेशन में है, अब ये एंटर कर रहे हैं आईटी में जहां मार्जिन बहुत हाई होती है, वाओ मेरे शेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, करेक्ट। दूसरे लोग ताली बजा रहे मगर उनका ताली का वॉल्यूम ऐसा है, क्या किया रहे इन्होंने। ओके जहां पे इंफोसिस है, टीसीएस है, इतने बड़े बड़े कंपनीज इतने एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं, रिलायंस क्या तो उखाड़ लेगा अलग, मेरा पैसा डूबने वाला है। जैसे ही ये खत्म हुआ मैं पहले मैसेज करेगा ब्रोकर को, बोलेगा बेच रिलायंस बेच, जो पहले वाले कैटेगरी है वो क्या बोलेंगे, रिलायंस खरीद, और इसमें तीसरा कैटेगरी है, बस ताली बजा रहा है दूसरे बजा रहे। अभी इसके बाद नाश्ता मिलेगा क्या? उनको कुछ नहीं समझा, क्या हुआ कुछ नहीं समझा, बस बाकी लोग ताली बजा रहे वो भी बजा रहे, अभी इसके बाद क्या देंगे कुछ। ये थर्ड कैटेगरी है, ये लोग ब्रोकर को मैसेज भी नहीं करेंगे, ये लोगों को चिंता है कि इसके बाद क्या मिलेगा बाहर नाश्ते में, ये थर्ड कैटेगरी, मतलब इनको समझा ही नहीं कि बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। डू यू फाइंड दिस थ्री कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स? ये जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स है आप इन्वेस्टर सॉरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, आप में से कितने लोग फर्स्ट कैटेगरी में फॉलो होंगे, ऑनेस्टली रेज योर हैंड, ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट रेज योर हैंड। फर्स्ट कैटेगरी इज रिलायंस जबरदस्त है, मैं तो बाय करने वाला हूं, वाओ अमेजिंग, ऐसे बोलने वाले लोग, कम ऑन। ए देखो आसपास सब लोग देखो, हाँ जानबूझ के आई एम शोइंग यू, ये देखो यहां पर भी है रेज योर हैंड वाले लोग। ओके ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में कितने लोग आते हैं? ये भाई यहां जो बैठे हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो गए बॉस, फाइनेंस मैनेजर का तो पोस्ट खतरे में आ गया। ये रिलायंस बेचने वाले हैं इतने सारे लोग, थर्ड कैटेगरी ये लोग भी है इधर नाश्ते में, क्या है भाई इतनी दूर ट्रैवल करके आए, चाय कॉफी दिया है बस अभी तक। ठीक है तो गाइस द फर्स्ट कैटेगरी, इनकी वजह से डिमांड को थोड़ा राइट में शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, तो रिलायंस के शेयर्स और बाय करने वाले सिर्फ इतने से लोग मिले मुझे, जिसकी वजह से रिलायंस का डिमांड को राइट में शिफ्ट होगा। आप सबने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड राइट में शिफ्ट होगा, सप्लाई बढ़ने से जो आप लोग बेचोगे ना शेयर्स, इतने सारे लोग थे जो शेयर्स बेच रहे थे, तो इनकी वजह से सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होगा। ये मेरा सप्लाई कर्व है और ये देखो ये इतना ज्यादा राइट में शिफ्ट किया है, करेक्ट है कि नहीं? आपको पूछने के पहले मुझे नहीं मालूम था कि कौन से कैटेगरी में कितने लोग हैं, बट जो क्लास में हुआ वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, और ये मेरा सप्लाई कर्व पूरा राइट में शिफ्ट हो गया इतना ज्यादा। थर्ड कैटेगरी की वजह से ना डिमांड कर्व चेंज हुआ ना सप्लाई कर्व, क्योंकि उन्होंने अपना होल्डिंग वैसे ही रखा है, एक्स्ट्रा बाइंग भी नहीं किया और सेलिंग भी नहीं किया, नाश्ता ठूसा चले गए, राइट। अब ऐसे केस में S1 D1 का इंटरसेक्शन देखो कहां पर हो रहा है, न्यू सप्लाई कहो न्यू डिमांड कहो, इसका इंटरसेक्शन इधर हुआ E1 पर, और E1 पर नया प्राइस P1 आ गया, क्वांटिटी इधर, ये क्या दिख रहा है आपको, प्राइस कम हो चुका है, सही है कि नहीं? मतलब क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और क्या हो गया, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने कॉन्फिडेंट, फाइनेंस मैनेजर सातवें आसमान पे है ना, अब वो भागेगा इधर से, नाश्ता बाहर किया कि बाहर की बार, बॉस आपने क्या किया, शेयर वैल्यू आपने कम कर दी। आपको समझा इस एग्जांपल से, शेयर वैल्यू मैक्सिमाइज करना जोक नहीं है, हो सकता है आज से 2 साल बाद आपको ये प्रूव हो जाए कि रिलायंस ने आईटी में भी बेस्ट किया है, मगर फिर भी आज तो शेयर वैल्यू कम हो गई। ये डिसीजन करेक्ट था मगर इस मोमेंट पर गलत था, सही है कि नहीं? क्योंकि इस मोमेंट पर इस डिसीजन की वजह से मेरे शेयर वैल्यू कम हो गए। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम सेइंग इट इज डिफिकल्ट टू इंक्रीज द शेयर वैल्यू?
कितना जेन्यूनली अच्छा सोचा कंपनी के बारे में, आपने वाट लगा दी, राइट right? हो सकता है मैं बकवास डिसीजन लूं और आप सब बोलोगे वाह अमेजिंग चलो बाय करते हैं, भले उसमें मैं परफॉर्म ना करूं बराबर से, मगर हो सकता है कि उस वक्त आप बाय कर लो और शेयर वैल्यू बढ़ जाए। जीपिंग सबको समझा? तो शेयर वैल्यू बढ़ाना इज नॉट अ जोक। शेयर वैल्यू कौन से डिसीजन से बढ़ेगा और कौन से डिसीजन से घटेगा कैनॉट बी सेड, बराबर। इसका मतलब ये है क्या कि ऐसे डिसीजन मेकिंग छोड़ दो, लो ही मत, फिर क्या करेंगे, कैसे लेंगे? 8 पॉइंट पढ़ो अभी ऊपर जो लिखा अपन ने, मार्केट इंपैक्ट एनालिसिस। पास्ट में ऐसे हुआ रहेगा जब हमने ऐसे कुछ डिसीजंस लिए रहेंगे, तो एक ऐसा एनालिसिस रेडी करो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर है टाइम पीरियड और यहां पर है हमारा शेयर प्राइस एवरीबॉडी, एंड मेरा शेयर प्राइस कभी बड़ा होगा कभी घटा होगा, फिर बड़ा होगा फिर घटा होगा, चलते गया होगा ऐसा कुछ, बराबर। जनरली ऐसे ही होता है ना। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये बॉटम पॉइंट्स है मेरे, एंड ये ब्लू कलर से जो है ये टॉप पॉइंट्स है, ठीक है। ब्लू कलर का दिख रहा है क्या, वो डार्क ब्लू यूज करेंगे, अभी दिख रहा है? तो ये डार्क ब्लू कलर से ये जो टॉप पॉइंट्स है वो भी दिख रहे हैं आपको, एंड नीचे पर्पल कलर के आपको बॉटम पॉइंट्स दिख रहे हैं। कलर्स नहीं दिख रहे होंगे तो कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो बॉटम पे पर्पल कलर है और ऊपर ब्लू कलर है, ठीक है। अब आप बताइए कि इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर कर ये ऐसे अपना शेयर वैल्यू को अपन ने पास्ट में ऐसा ट्रैक किया, ठीक है, जरूर पर्पल पॉइंट्स पे कोई डिसीजन लिए रहेंगे एंड ब्लू पॉइंट्स पर भी कोई डिसीजन लिए रहेंगे, करेक्ट। फ्यूचर में मार्केट इंपैक्ट एनालिसिस क्या बोलता है आपको कि ये ऐसा एनालिसिस ड्रॉ करो और फ्यूचर में वही डिसीजन ज्यादा लो जो डैश कलर के थे। कुछ लोग पर्पल बोल रहे, कुछ लोग डार्क ब्लू बोल रहे, सोच के बोलो ना, मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। पर्पल श्योरली पर्पल, अरे वो बॉटम का है पर्पल श्योरली, यस, बिकॉज पर्पल जो है वो बॉटम पे था और आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से वो बड़ा, सही है ना। अरे ब्लू तो इतना मतलब खतरनाक डिसीजन था कि आपका शेयर वैल्यू बढ़ रहा था, आपने कोई तो भी ऐसा अनाउंसमेंट किया जिससे शेयर वैल्यू कम हो गया, समझे कि नहीं। तो ऑलवेज एनकरेज कि फ्यूचर में ये जो डिसीजन मेकिंग था ना ये ऐसे लेना चाहिए और जो ऊपर वाले पॉइंट के डिसीजन मेकिंग थे वो हमने अवॉइड करना चाहिए, समझे। हो सकता है कि ऊपर वाले ये जो डिसीजन मेकिंग है ये मेरे अभी के एक्सपीरियंस से ऐसा है कि मेरी कंपनी में कोई मैंने डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए, आपको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मेरा शेयर वैल्यू अभी अभी गिर गया था। मगर शायद ऐसा था कि मैंने कोई दूसरी कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला बंदा हायर किया और शेयर वैल्यू आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। चेंज इन मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जैसे ही मेरे बोर्ड पे आया आपने शेयर वैल्यू बढ़ा दिया। तो मैंने फ्यूचर में मेरे बोर्ड का मेंबर्स चेंजिंग करना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऐड करने चाहिए मेरे कॉम्पिटिटर कंपनी से मेंबर्स हायर करके, वेयर एज मैंने डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, समझ गए क्या। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था बिकॉज हमने अभी डिमांड सप्लाई ड्रॉ किया और हमको समझा, गॉट इट। तो ये होता है मार्केट इंपैक्ट एनालिसिस, मतलब मेरे डिसीजन मेकिंग से पास्ट में मार्केट शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट हुआ वो मैंने एज अ फाइनेंस मैनेजर एनालाइज करना चाहिए और फ्यूचर में वही डिसीजंस लेने चाहिए जिसकी वजह से शेयर वैल्यू बढ़ी और वो डिसीजंस अवॉइड करने चाहिए जिसकी वजह से शेयर वैल्यू कम हुई। होप यू अंडरस्टूड दिस 8 पॉइंट मार्केट इंपैक्ट एनालिसिस, ठीक है। इसकी वजह से मैंने आपको एक और पॉइंट समझाया कि शेयर वैल्यू बढ़ाना आसान नहीं है क्योंकि किस चीज से शेयर वैल्यू बढ़े और किस से घटे ये हम श्योरली नहीं बोल सकते, गॉट इट। चलिए हम आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर। अभी एवरीवन रेडी हो क्या आप? आपको याद है क्या परसों का डिस्कशन, लास्ट सेशन का डिस्कशन याद है? चलो देखते क्या याद है आपको। टाइम वैल्यू ऑफ मनी,
Is this important, time value of money? Very important. Time value of money concept क्यों आया? What is the relevance of time value of money? What is the relevance of time value of money? Is very simple कि समय के साथ साथ inflation आता है, जिसकी वजह से money का value change होता है. समय के साथ साथ investment opportunity होती है, correct? जिसकी वजह से आप आपका पैसा ग्रो कर सकते हो. ऐसा नहीं बोल सकते ना कि टूडेज 2 लाख एंड 3 साल बाद के 2 लाख सेम है. नहीं ना, टूडेज 2 लाख इज डिफरेंट फ्रॉम 3 साल बाद के 2 लाख्स. ये सुनो, वेयर एज बोथ द अमाउंट आर 2 लाख ओनली बट बोथ आर डिफरेंट ड्यू टू व्हाट? नंबर 1, ड्यू टू इन्फ्लेशन, करेक्ट? एवरीबडी लिखो आप आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पेज पर, अगर जगह रहेगी सिर्फ 4 पॉइंट्स ही लिखने आपको. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिल्कुल ऊपर मैंने जगह छोड़ी, पॉइंट नंबर 11 है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके जस्ट ऊपर थोड़ी जगह छोड़ी है मैंने, है क्या? है ना, थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि नीचे वही पॉइंट्स लिखे हैं बट हम सिर्फ समरी ड्रॉ कर रहे हैं. तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे वहां पर, हेडिंग दो पहले, रेलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओनली द हेडिंग वी आर गोइंग टू राइट, रेलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इसको इंपॉर्टेंस भी बोल सकते आप, रेलेवेंस को इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर क्या होता है पैसों का? कम 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 होता है. टूडेज 2 लाख इज मोर या 3 इयर्स के बाद का 2 लाख इज मोर इन वैल्यू टर्म्स? टूडेज. जिनको कंफ्यूजन होता है मैं आपको बता रहा हूं वापस, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट परचेजिंग पावर. तो आज के 2 लाख में परचेजिंग पावर ज्यादा है क्योंकि आज के प्राइजेस कम है. भले ही बहुत बढ़ गए रहेंगे मगर आज भी 3 साल बाद के मुकाबले तो कम ही है, ठीक है. दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबको समझता है, बिकॉज आई गिव यू अ चॉइस. 2 लाख रुपीज, सपोज, जस्ट इमेजिन, सपोज आई एम प्रॉमिसिंग यू टू पे 2 लाख रुपीज ईच, आप सब लोगों, सपोज बोला था मैंने पहले, एंड आई गिव यू अ चॉइस कि पैसा आपको आज चाहिए या 3 साल बाद चाहिए. आज सबने आज बोला, क्यों? रीजन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, इन्फ्लेशन. आपको पता है कि आज के 2 लाख रुपए में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे. रीजन नंबर 2, मत पढ़ो बुक्स में से, प्लीज नोट्स में से पढ़कर आंसर मत दो, परचेसिंग पावर तो हो गया ना. इन्फ्लेशन मतलब परचेसिंग पावर. आगे गारंटी किसका? मेरा. वेरी गुड, सही बात है भाई. सर आप आज बोल रहे हो, बराबर है, कैमरा भी ऑन है, रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पर हो रहा है, सब कुछ है. आप बोलोगे कौन भाई तू, 3 साल बाद बोलोगे कौन सा पैसा, कौन से 2 लाख? इसका मतलब फ्यूचर के पैसों में रिस्क है और प्रेजेंट मनी में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि पैसा आज मिल रहा है. देयरफॉर यू ऑलवेज प्रेफर टू गेट टुडेज मनी कंपेयर टू फ्यूचर मनी. तो सेकेंड पॉइंट यहां पर आना चाहिए रिस्क का. थर्ड पॉइंट, आपको 2 लाख आज क्यों चाहिए? 3 साल बाद ले लो ना यार, क्या फर्क गिरेगा? आज क्यों चाहिए? इन्वेस्ट कर सकते हो आप आज 2 लाख और 3 साल बाद में भी 2 लाख ही मिल रहे हैं, तो बेटर है कि वो आज लेकर तुम कहीं पर इन्वेस्ट कर दो ताकि 3 साल बाद वो 2 लाख का कम से कम 3 लाख बन जाए. सिंपल है, बाय इन्वेस्टिंग यू कैन ग्रो द मनी. You want to get the investment opportunity. Correct, है ना? You want to grab the investment opportunity. So next point will be investment opportunity. And the last point. पैसा आज क्यों चाहिए? Girls, पैसा मिलेगा तो shopping करोगे तुम आज. 3 साल बाद मिलेगा तो 3 साल तक सिर्फ सोचते रहना पड़ेगा क्या परचेस करेंगे. कुछ परचेस तो हो नहीं रहा है, 3 साल का वेटिंग पीरियड. ओ माय गॉड,
तीन साल बाद वही पैसा आपको आज मिल जाए तो आप तुरंत उसे खर्च कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंजम्पशन। जो आप खर्च कर सकते हो उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंजम्पशन। फ्यूचर मनी में ये प्रेजेंट कंजम्पशन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनो मेरा सेंटेंस, कंजम्पशन सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा है, प्रेजेंट कंजम्पशन सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। फ्यूचर मनी तीन साल बाद के पैसों में आज का कंजम्पशन सैक्रिफाइस हो रहा है। वही पैसा आपको आज मिल जाए तो ये कंजम्पशन सैक्रिफाइस नहीं होगा, करेक्ट। सो यहां पर हम लिखेंगे प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। कोई भी इंसान कंजम्पशन कब प्रेफर करेगा? आज। प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। राइट, तो दिस इज कॉल्ड रेलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन कैन बी, आंसर इज सेम। क्वेश्चन कैन बी व्हाई डू यू प्रेफर टूडेज मनी कंपेयर टू फ्यूचर मनी। बराबर मैडम, आप दोनों, मैंने इस आंसर के लिए तीन क्वेश्चंस बोले, तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भी आंसर यही रहेगा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कौन से तीन क्वेश्चन है? मैं आपको आंसर पूछ भी नहीं रहा हूं, आंसर स्क्रीन पे। क्वेश्चंस तीन है जिसके लिए यह आंसर लिखा जाएगा। बोलो पहला क्वेश्चन, इन दोनों को दोनों रेलेवेंस इंपॉर्टेंस। एग्जैक्टली तीसरे पॉइंट पर आपकी नजर हटी थी। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या था? रेलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड तीसरा पॉइंट है। बोलो, आप ट्राई कर सकते हो। बोलो बोलो रीजंस व्हाई यू प्रेफर टुडेज मनी, व्हाई यू प्रेफर टुडेज मनी कंपेयर टू फ्यूचर मनी। तीनों क्वेश्चंस का आंसर यही चार पॉइंट्स आएंगे दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में आने के बाद आउट ऑफ सिलेबस मत बोलना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड लास्ट इज व्हाई डू यू प्रेफर टुडेज मनी कंपेयर टू फ्यूचर मनी। नाउ फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने टेक्निक्स देखे थे। मेनली कौन सा टेक्निक देखा हमने? डिस्काउंटिंग टेक्निक। दूसरा टेक्निक का नाम क्या था? कंपाउंडिंग। हम फोकस कर रहे थे पूरा डिस्काउंटिंग पर। व्हाट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक? गोइंग फ्रॉम डैश टू डैश, फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। मतलब दिया क्या रहेगा? फ्यूचर वैल्यू। ढूंढ क्या रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू। कितने फैक्टर्स थे इसमें? दो। पहला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर PVF, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर PVAF। दोनों के आगे ब्रैकेट में कुछ था RN। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज नंबर ऑफ इयर्स, करेक्ट। एंड कैसे ढूंढते PVF एंड PVAF, इसका भी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। लास्ट में आपने खुद ने मुझे आंसर्स भी बताए और उन आंसर्स के हमने इंटरप्रिटेशंस भी किए। एंड सबसे मेन, हमने फॉर्मूलेस डिराइव किए दो। पहला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू PVF R कॉमा N। याद आया? ये कब यूज होता है? सिंगल कैश फ्लो के वक्त। कब? बोलो, सिंगल कैश फ्लो के वक्त। एंड सेकेंड फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इंटू PVAF R कॉमा N। ये कब यूज होता है? एन्यूटी के वक्त, ठीक है। यहां तक का पार्ट क्लियर है? ओके, अब हम लोग थोड़ा डिस्काउंटिंग का चार्ट ड्रॉ करके उसके फॉर्मूले लिखेंगे। डिस्काउंटिंग का चार्ट आपके पास रेडी है, ओके। डिस्काउंटिंग टेक्निक में गाइस, तीन तरीके के कैश फ्लोज होते हैं। कितने? तीन। पहला सिंगल कैश फ्लो। एवरीबॉडी, फर्स्ट इज सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। सब लोग हैं मेरे साथ? सिंगल कैश फ्लो के नीचे आप फॉर्मूला लिखोगे सिंगल कैश फ्लो का। लिखो
सिंगल कैश फ्लो के नीचे आप फॉर्मूला लिखोगे सिंगल कैश फ्लो का। कॉन्फिडेंस है आपको पेन से लिखने में? डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में लिखो, पहले लिखो, मैं कुछ सेकंड का पॉज लेकर आपको बोलूंगा बाद में। लिखा? कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे, सर बोल दो फिर लिखते है ना। डिस्काउंटिंग टेक्निक है, क्या ढूंढते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। क्या दिया रहता है? तो फ्यूचर वैल्यू को यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पी वी एफ के साथ आर कॉमा एन। अभी अभी तो लिखा था, यही तो फॉर्मूला है, सबको समझा? तो ये था आपका सिंगल कैश फ्लो वाला फॉर्मूला। दूसरा टाइप का कैश फ्लो हो सकता है, वो है एन्यूटी कैश फ्लो। बराबर, व्हाट इज एन्यूटी गाइस? डेफिनेट सम ऑफ मनी आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो सम ऑफ मनी सेम होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में 1000 रहेगा तो सेकेंड ईयर में भी 1000, थर्ड ईयर में भी 1000, एवरी ईयर 1000 इज कॉल्ड एन्यूटी। इज इट पॉसिबल दैट यू आर गेटिंग मोर देन वन ईयर बट द अमाउंट इज नॉट सेम? फर्स्ट ईयर में 1000, सेकेंड ईयर में 2000, थर्ड ईयर में 5000, टेंथ ईयर, फोर्थ ईयर में 10000। इज दिस पॉसिबल? कैन आई कॉल दिस एज सिंगल कैश फ्लो? कैन आई कॉल दिस एज एन्यूटी कैश फ्लो? इन दोनों के बीच में एक थर्ड कैटेगरी आएगा जिसको बोलेंगे मल्टीपल कैश फ्लो गाइज। ठीक है, मल्टीपल कैश फ्लो समझा? व्हाट इज मल्टीपल कैश फ्लो? एक से ज्यादा साल बट अमाउंट सेम नहीं है, इज कॉल्ड मल्टीपल कैश फ्लो। तो उसके लिए आपके पास ऐसा एरो करना पड़ेगा आपके नोट्स में और फिर नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर्मेट ईयर कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग फैक्टर सपोज 9% एग्जांपल है, 9% इट कैन बी 10, 12 वॉट एवर एंड DCF। बस चार कॉलम का तीन लाइन का फॉर्मेट है, क्या जगह आपके पास? लिख रहे हो गए सब लोग? ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 9%, DCF मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है एवरीवन, नाउ देखिए ध्यान लिखो, मत अभी सब लोग ध्यान देंगे इधर। फर्स्ट ईयर यू आर रिसीविंग 1000, सेकेंड ईयर यू आर रिसीविंग 2000, जस्ट कीप इट फॉर टू ईयर्स। इज दिस सिंगल कैश फ्लो? नो। इज दिस एन्यूटी? नो। सिंगल क्यों नहीं है? क्योंकि एक से ज्यादा बार है। एन्यूटी क्यों नहीं है? क्योंकि अमाउंट सेम नहीं है। सब लोग हैं मेरे साथ? ओके अब मुझे ना इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कुछ मत करो, इन दोनों को सिंगल सिंगल सोचकर सॉल्व कर लो। समझ गए? सिंगल कैश फ्लो सोचकर सॉल्व कर लो इन दोनों को। तो ऐसे केस में कहना है वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ। करेक्ट, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है ना। ओके नाउ टेल मी व्हाट इज योर आर गिवन? 9% टेबल में दिया ना, आर इज 9%। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लिखा अपन ने? 9%। लुक एलसी, 9% से फर्स्ट ईयर का फैक्टर बताओ। सब लोग अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे तो ही आप पास होने वाले हो। बाजू वाले की कैलसी पर देखकर आंसर लिखा तो बाजू वाला पास होगा। 0.9174 आया क्या? कुछ लोग सोच रहे कैसे करें जो डायरेक्ट मंडे को यहां पहुंचे। 1 divided by 1.09 is equal to, करेक्ट, सबने यही किया ना, आया आपका आंसर 0.9174। नाउ जस्ट प्रेस इज इक्वल टू फॉर सेकेंड टाइम 0.8417। लुक है ये 7.8417 कैसे आया? ये सिर्फ एक बार इज इक्वल टू दबाया बाद में।
ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस 0.9174, आज का वैल्यू किस चीज का, एक साल बाद के एक रुपए का. आर यू विथ मी? आफ्टर वन ईयर वन रुपी, टूडेज वैल्यू इज 0.9174. व्हाट इज 0.8417? आफ्टर टू ईयर्स वन रुपी, टूडेज वैल्यू इज 0.8417 गाइज. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक साल बाद के एक रुपए का ये आज का वैल्यू है, बट एक साल बाद एक रुपया नहीं है, एक साल बाद 1000 है. तो कैन आई कॉल 1000 एज फ्यूचर वैल्यू? दिस इज 0.9174 इज पीवीएफ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा. कितना आएगा? 917, डेसिमल छोड़ दो. ठीक है, 917 कैसे आया? 1000 इंटू 0.9174. ठीक है, 1000 इंटू 0.9174 कम्स 917, 0.4 छोड़ दो. ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए क्या करोगे अभी? 2000 इंटू 0.8417, ठीक है नहीं, चार डेसिमल ले रहा हूं मैं सपोज, तो 17 बोलो, 1683. ठीक है, सबका आंसर आया क्या ये? गाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज 1683? व्हाट इट इज? टुडेज वैल्यू ऑफ 2000 आफ्टर टू इयर्स. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज 917? टुडेज वैल्यू ऑफ 1000 आफ्टर वन ईयर. समझ गए? इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं क्या? यस yes, क्योंकि ये दोनों भी आज की वैल्यू है, तो ऐड कर सकते हो आप. 2600 राउंड फिगर, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू. 2600 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3000, नहीं 3000 गलत हो जाएगा, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 आफ्टर वन ईयर एंड 2000 आफ्टर टू ईयर्स. सर एक ही तो बात है ना सर, एक ही बात नहीं है, क्योंकि दोनों का परचेजिंग पावर अलग है, तो उसको 3000 बोलना गलत हो जाता है. आई होप टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज क्लियर. सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? इफ वी टुडे इन्वेस्ट, बोलो, इफ वी टुडे इन्वेस्ट हाउ मच? 2600 एट द रेट ऑफ 9%, वी कैन रिसीव 1000 आफ्टर वन ईयर एंड 2000 आफ्टर टू ईयर्स. वेरी गुड, सबको समझा क्या? आई थिंक अब आप थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहे हो, आपको समझ रहा है ये चीजें. हाँ, इफ यू टुडे इन्वेस्ट 2600 एट द रेट ऑफ 9%, टेक कैसी अप्रोक्स आंसर सेम आएगा, चार डेसिमल लिए इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा. लो कैसी, 2600 इन्वेस्ट कर दो. ठीक है, कैल्सियम ले लिया मतलब इन्वेस्ट हो गया, प्लस 9% क्या ही है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, माइनस 1000 क्या ही है? विड्रॉल आफ्टर वन ईयर, प्लस 9% ये क्या था? सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, माइनस 2000 ये क्या है? सेकंड ईयर का विड्रॉल. आपके कैल्सियम पर लगभग जीरो है, समझे क्या? सो दिस इज मल्टीपल कैश फ्लो. एंड देन कमिंग टू लास्ट पार्ट, एन्युटी कैश फ्लो. तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, करना है तो मल्टीपल का आपके नोट्स में कर लिया क्या सबने? ग्रेट. एन्युटी के केस में दोस्तों दो टाइप के एन्युटी होते हैं, हमने जो डिस्कस किया ना अब तक वो फाइनाइट एन्युटी था. कौन सा? फाइनाइट. फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ इयर्स आर नॉट इनफाइनाइट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स नहीं है, काउंट कर सकते हो उतने नंबर ऑफ इयर्स है, उसको बोलते हैं फाइनाइट एन्युटी. तो हमने एग्जांपल लेते हो क्या बोला, इफ आई एवरी ईयर पे यू 1000 फॉर 3 इयर्स, तो ये 3 इयर्स क्या थे? फाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स थे. ठीक है, तो हम पहले फाइनाइट से डील करते हैं. फाइनाइट एन्युटी, अब ये फाइनाइट एन्युटी जो है इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. क्या फॉर्मूला था दोस्तों? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू पीवीएफ आर कॉमा एन. लिख दो उधर नोट्स में जहां फाइनाइट एन्युटी लिखा हुआ है, फाइनाइट एन्युटी लिखा हुआ है ना उसके नीचे. एन्युटी में आपको दो टाइप दिखेंगे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट. लेफ्ट साइड लिखा है फाइनाइट, फाइनाइट के बिल्कुल नीचे आपको फाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला लिखना है. लिखा
जगह मैनेज हो रहा है क्या आपको? अब इनफाइनाइट एन्यूटी पे आते हैं. व्हाट इज इनफाइनाइट एन्यूटी कॉल्ड? वेरी गुड, परपेचुइटी. इनफाइनाइट एन्यूटी का दूसरा नाम क्या है? परपेचुइटी. परपेचुइटी मतलब नेवर एंडिंग, इयर्स आफ्टर इयर्स आफ्टर इयर्स आफ्टर इयर्स. तो सपोज आई प्रॉमिस टू पे यू फ्रॉम माई कंपनी टू योर कंपनी एवरी ईयर 1 lakh rupees फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स. फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स. ध्यान से सुनो इस एग्जाम्पल को, अभी आपको समझ जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ में. माई कंपनी इज लिमिटेड कंपनी, योर कंपनी इज ऑल्सो देयर विच हैज परपेचुअल एंटिटी, यू कैन से सक्सेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेथ और अलाइव, वॉट एवर योर कंपनी इज अलाइव. ठीक है, एंड दैट कंपनी इज फैमिली ओन्ड कंपनी. ठीक है, फैमिली ओन्ड कंपनी मतलब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बच्चे शेयर होल्डर बन जाएंगे, वो नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे बनेंगे. ठीक है, एंड माइन इज ऑल्सो द सेम. माई कंपनी इज अ फाइनेंस कंपनी गिविंग यू ऑफर. करंट रेट इन द मार्केट इज ओनली 10%, 10% आर है. एंड माई कंपनी इज गिविंग यू ऑफर एवरी ईयर. माई कंपनी विल गिव यू 1 lakh फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स. आई एम आस्किंग यू जस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 12 lakh. आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 12 lakhs एंड यू विल रिसीव, योर कंपनी विल रिसीव एवरी ईयर 1 lakh rupees एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स. एवरीवन, कितने लोग रेडी है? ऑनेस्टली कितने लोग रेडी है? चलो जल्दी जल्दी, इसी अमाउंट बढ़ने नहीं वाला है, फिक्स ऑफर है, वेट करेंगे बढ़ने के लिए. और ग्रीडी पीपल, हार्डली 20 लोग है, 15-20 लोग इधर भी. 12 lakh rupees एवरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट. अरे लॉजिक लगाओ तो 12 सालों में 12 लाख मिल जाएंगे. उसके बाद हर साल जो मिल रहा है सब बोनस है, 50 साल, 100 साल, 150 साल. कितने लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है? कोई और बढ़ेंगे क्या? एडिशन करने, एडिशन है क्या किसी का? क्लोज हो रहा है स्कीम, कर दो क्लोज. खैर, इतने बड़े ऑडियंस में से 25 लोग तो मिले. बस फाइनेंस जगत में यही हो रहा है, 25 लोग मिल गए ना. ये 25 लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सोचा जो मैंने सोचा रहेगा, या इसके आसपास कुछ तो भी सोचा रहेगा. बट गाइस, आप लोग क्यों वेट कर रहे थे? रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है, मतलब इंटरेस्ट, मतलब मुझे क्लियरली बताओ ये ऑफर रिजेक्ट क्यों किया? कि कौन बताएगा हाथ ऊपर करके? एक मिनट, हाँ बताओ. मतलब आप बोल रहे हो कि आप इन्वेस्ट करोगे 12 लाख और 12 सालों में आपको 12 लाख मिलेंगे, बट बाहर आपको 24 लाख भी मिल सकते हैं, डबल भी मिल सकता है. मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है, ऐसे ऐड वगैरह देता है, बोलता है 25 दिनों में पैसा डबल मत करो इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड्स में लगाओगे, कुछ तो और होगा. मतलब मेरी कंपनी पसंद नहीं आपको. इधर, हाँ, व्हाइट टी शर्ट आप बोल रहे थे कुछ. हाँ, आपको आज लमसम 12 लाख देना है, उससे आपको प्रॉब्लम है. बट सिर्फ 12 लाख नहीं दे रहा हूं मैं आपको, एवरी ईयर 1 lakh दे रहा हूं. 50 सालों में तो 50 लाख है, 100 सालों में तो 100 लाख है. आई वॉन्ट अ लॉजिकल आंसर. यस, बोलो. बारह सालों में 12 लाख नहीं मिल रहे, वो उसका लॉजिक है, मेरा नहीं है. मेरी कंपनी बोल रही है हर साल 1 lakh. दिस इज द पॉइंट. क्या नाम है आपका? शशिकांत. आरबीआई गवर्नर बन सकता है वो. क्या बोला उसने, समझा क्या आपको? ये सब लोगों के दिमाग में आना चाहिए था. ध्यान से सुनो सब लोग अभी. हाउ मच माई कंपनी इज आस्किंग यू टू इन्वेस्ट?
12 लाख। भाई साहब ये मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा बाहर बैंक में डिपॉजिट कर दो एफडी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला मैंने? 10%। सो एवरी ईयर बैंक विल गिव यू 1,20,000। व्हाई यू रिक्वायर 1 लाख फ्रॉम मी? सर मगर बैंक तो एक साल ही देगा। क्यों एक साल देगा? प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ मत कर, एफडी को एफडी में रख। तो फिर हर साल 1,20,000 मिलेगा आपको, जबकि मेरा कंपनी क्या कर रहा था? 1 लाख दे रहा था। आपके 12 लाख लेकर मेरा कंपनी भी वही कर रहा था, मानू मैं क्या आपको? सीधा लिया एफडी किया, एफडी से आया 1,20,000, खुद के पास रखा 20, आपको दिया 1 लाख। आप बोलते हो बेस्ट क्या कंपनी है ना। 50 साल में भी यही हो रहा है, अज्यूमिंग आर इज कॉन्स्टेंट बिकॉज वी आर इन क्लासरूम, सो आर इज कॉन्स्टेंट अज्यूम करके ये सॉल्व हो रहा है। समझा क्या? सो ऐसा कितने साल तक चलेगा? इनफिनिट नंबर ऑफ इयर्स, नॉट ओनली 12 ईयर्स, नॉट ओनली 50 ईयर्स, इनफिनिट नंबर ऑफ ईयर्स। जब तक मैं मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 12 लाख, कितना 12 लाख का नहीं विड्रॉ करूंगा तब तक। सही है कि नहीं? मुझे एक्चुअली ये जानना था कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कब मुझे यस बोलना चाहिए। मैं 1 लाख ही देने वाला हूं, मैं 1 लाख ही देने वाला हूं, आप मुझे यस कब बोलोगे? इतना बोलो, जब मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? कम होगा तो कितना होगा? वेरी गुड, कितना होगा? 10 लाख। एवरीबॉडी, जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 10 लाख, तब आप बोलोगे यस वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। 10 लाख कहां से आया ये मैजिकल नंबर? 10 लाख का 10% सर 1 लाख होता है। आप दे रहे हो हर साल 1 लाख, तो 12 लाख क्यों ले रहे हो? 10 लाख लो। समझे कि नहीं? एवरीबॉडी ध्यान से सुनो, 10 लाख अगर इन्वेस्ट करेंगे 10% से 1 लाख मिलना चाहिए। आप भी हमको 1 लाख ही दे रहे हो, तो आप 12 लाख मत डिमांड करो, 10 लाख डिमांड करो। कहने से इसका मतलब ये हुआ, इन अदर वर्ड्स, मैं आपको हर साल 1 लाख दे रहा था, कैन आई कॉल दिस एज एन्यूटी? एवरी ईयर माई 1 लाख रुपीज, कैन आई कॉल दिस एज एन्यूटी? ओके, कैन आई कॉल दिस एज परपेचुअल एन्यूटी? यस और नो? यस, 1 लाख रुपीज फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स, टूडेज वैल्यू इज 10 लाख। यस और नो? तो फिर कैसे आया 10 लाख का वैल्यू? देखिए अभी ध्यान से सुनिए, फिर लिखना। इनफाइनाइट एन्यूटी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है विथ ग्रोथ रेट जो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, दूसरा होता है विदाउट ग्रोथ रेट। विदाउट ग्रोथ को क्या दूसरा नाम दिया गया है? कॉन्स्टेंट एन्यूटी, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। विदाउट ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ के केस में प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%। यस और नो? व्हाट वाज 1 लाख एन्यूटी? व्हाट इज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर ये कैसे आया सर, थोड़ा नहीं समझा। इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आया गाइस। किसके फॉर्मूले से आया? इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। व्हाट इज इंटरेस्ट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो पहले ही पढ़ा ना आपने। प्रिंसिपल अमाउंट कब इन्वेस्ट हो रहा है? आज। कैन आई कॉल प्रिंसिपल अमाउंट एज प्रेजेंट वैल्यू? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड आर। प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, करेक्ट? सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एवरी ईयर इज सेम और डिफरेंट? अमाउंट सेम, तो कैन आई कॉल इंटरेस्ट एज एन्यूटी? प्रिंसिपल अमाउंट एज प्रेजेंट वैल्यू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज आर। मॉडिफाई दिस फॉर्मूला एंड मेक इट पीवी इज इक्वल टू, मेक इट पीवी इज इक्वल टू। होगा कि नहीं? आर यू जेपिंग दिस? सबको समझा क्या अच्छे से? लिख लो, कहां लिख रहे हो बस सोच के लिखो। इन्फिनिट एन्यूटी को परपेचुअटी बोलते हैं, जिसमें पहला पार्ट है विद ग्रोथ रेट जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, दूसरा पार्ट है विदाउट ग्रोथ रेट जिसको आपके नोट्स में नाम दिया गया है विद कॉन्स्टेंट एन्यूटी, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। विद कॉन्स्टेंट एन्यूटी एंड द फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए बाय आर। वो फॉर्मूला कैसे आया? इज नथिंग बट इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आया।
इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट एवरी ईयर इज सेम, देयरफॉर आई एम कॉलिंग इंटरेस्ट अमाउंट एज एन्युटी. प्रिंसिपल अमाउंट वी आर इन्वेस्टिंग टुडे, देयरफॉर आई एम कॉलिंग प्रिंसिपल अमाउंट एज प्रेजेंट वैल्यू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर. सो माई फॉर्मूला बिकम्स ए इज इक्वल टू पीवी इंटू आर. मॉडिफाई दिस एंड मेक इट पीवी इज इक्वल टू ए बाय आर. फॉर्मूले का डेरिवेशन समझा क्या? हम फॉर्मूला ही यूज करने वाले आंसर्स के वक्त, मगर वो फॉर्मूला आपको ऐसे अचानक से हवे से नहीं आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए आपने. आपको कंसेप्ट समझा एवरीवन? नाउ कमिंग टू विद ग्रोथ रेट. विद ग्रोथ रेट के केस में क्या होता है गाइज? एवरी ईयर कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट से मेरा अमाउंट ग्रो होता है. ध्यान से सुनो. यू विल से सर ये ऑफर तो ठीक है, चलो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बट ये जो 1,00,000 आप दे रहे हो ना सर, ये आज के वैल्यू के हिसाब से वेरी गुड. जस्ट इमेजिन सर 50 साल बाद 100 साल बाद इसकी क्या ही तो वैल्यू रहेगी. मैं बोलूंगा ऐसा क्यों? आपका आंसर क्या है? इन्फ्लेशन. ऐसा क्यों? इन्फ्लेशन. तो मैं बोलूंगा चलो उसका भी एक तोड़ है अपने पास, इलाज है. क्या इलाज है उसका? इन्फ्लेशन जनरली 2-4% होता है, 2-4% होता है ना इन्फ्लेशन. ओ मैडम आप सो जाओगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बाद में बोलोगे मेरा 1,00,000 वैल्यू कम हो गया. तो 2-4% जनरली इन्फ्लेशन ये रेंज में होता है. चलो एवरेजली 3% मान लेते. तो मैं बोलता हूं एक काम करते हैं, एवरी ईयर माई अमाउंट विल ग्रो बाई 3-3%. समझा कि नहीं? फर्स्ट ईयर 1,00,000, सेकेंड ईयर 1,00,000 प्लस 3%, थर्ड ईयर 1,03,000 प्लस 3%, नेक्स्ट ईयर पिछला फिगर प्लस 3%, उसके बाद पिछला फिगर प्लस 3%. मतलब आपका इन्फ्लेशन का इफेक्ट खत्म हो गया. नलिफाई हो रहा है ना? क्यों नलिफाई होगा सर? इन्फ्लेशन बढ़ेगा 3% से तो अमाउंट भी तो बढ़ेगा 3% से. समझा? तो कैन आई कैलकुलेट ऐसे अमाउंट्स का प्रेजेंट वैल्यू? कैसे अमाउंट्स का? 1,00,000 नेक्स्ट ईयर में, 1,03,000 उसके बाद, 1,03,000 प्लस 3% जो भी आता है 1,06,000 समथिंग, फिर उसके बाद 1,06,000 समथिंग जो भी आया था प्लस 3%. ऐसा इनफाइनाइट ईयर्स उसका तुम निकाल रहे हो प्रेजेंट वैल्यू. उसके लिए फॉर्मूला क्या मन में दिखता? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा लगता है अरे बाप रे हर साल अलग अलग अमाउंट्स रहेंगे, उन सभी का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल सकता है? वेरी सिंपल फॉर्मूला गाइस, यू वांट ग्रोथ, बराबर है? यू वांट ग्रोथ, द फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू विदाउट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या था? ए बाय आर. इसी फॉर्मूले को आर के आगे माइनस जी, प्लस मत करना, माइनस जी. व्हाट इज जी? ग्रोथ रेट. ध्यान से सुनो, पहले लिख लो, आई विल एक्सप्लेन यू. विद ग्रोथ रेट के केस में आपका फॉर्मूला बन रहा है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन आर माइनस जी. जनरली विद ग्रोथ रेट, विद ग्रोथ रेट ऐसा लगता है ग्रोथ कहीं ऐड होने वाला है, मगर ग्रोथ ऐड नहीं हुआ, ग्रोथ लेस हुआ. लॉजिक सुनो पहले. अभी जैसे मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि 1,00,000 डिपॉजिट कर दो हर साल 1,00,000 मिलेंगे, यहां पे मैं आपको प्रूव नहीं कर सकता हूं क्योंकि हम इन्फिनिट ईयर्स तक कैलकुलेटर पे एक्सेल शीट पे जा नहीं सकते. एक्सेल शीट का भी लास्ट जो लाइन है वो 44,000 है, उसके आगे वापस से हमको नया एक्सेल शीट कैरी करना पड़ेगा. वी कैन नॉट एक्चुअली गो फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ ईयर्स, बट कॉमन सेंस विल वर्क वंडर्स. जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम डिस्कसिंग. आपको ग्रोथ चाहिए था, एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए था, राइट? कितना? 3%. बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%. एवरी ईयर मैं कितना देने को तैयार था? 1,00,000 प्लस ग्रोथ ना, तो 1,00,000 ले लो मेरा एन्युटी. जस्ट इमेजिन नाउ. इधर का पहले आंसर निकालता हूं ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए. 1,00,000 अपॉन 10%, यहां का आंसर आया 10,00,000. ठीक है, एवरीवन विद मी? अब यहां पे क्या होगा दोस्तों? 1,00,000 अपॉन 10% माइनस 3%, मतलब इफेक्टिवली 7%. ध्यान से सुनो मेरी बात, इसका आंसर बताओ कितना आया? 14,00,000. ठीक है कोई बात नहीं, 14,28,000. ठीक है, जस्ट रफ कैलकुलेशन कर रहे हम लोग. 14,28,000 सबका आंसर आया, समथिंग आगे है. ठीक है, ध्यान दो.
आपका बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10। मगर मैंने, मतलब आपने, आपकी कैलकुलेशन करते वक्त उसको 10 लिया ही नहीं, 7 लिया। इसका मतलब आपके कैलकुलेशन में आपने 7 लिया, मगर बैंक कितना देगा? जब ये पैसा, प्रेजेंट वैल्यू वाला पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया तुम्हारे कैलसी पर, 14,28,000, 14,28,000 जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपको बैंक फर्स्ट ईयर में कितना देगा? 10%। मगर आपने कितना कंसिडर किया था? 7%। आपके कैलकुलेशन के कंपैरिजन में बैंक ने आपको एक्स्ट्रा 3% दिया। ये लॉजिक है उसका, समझे कि नहीं? आपने कैलकुलेट करते वक्त इफेक्टिवली डिनोमिनेटर में कितना लिया है? 7। मगर ये जो 14,28,000 अमाउंट निकाल लिया, ये जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो फर्स्ट ईयर बैंक आपको कितना देने वाला है? 10%। मगर आपने कितना कंसिडर किया? 7। तो आपके कैलकुलेशन के मुताबिक आपको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। दिस इज ग्रोथ। 3% एक्स्ट्रा देने के लिए आप कोई बैंक के दामाद नहीं हो, आपको 13 मिलेगा। नहीं, आपको बैंक 10 ही दे रहा था, मगर आपने कैलकुलेशन करते वक्त 7 लिया, तो आपके कैलकुलेशन के कंपैरिजन में बैंक आपको 3% एक्स्ट्रा दे रहा है। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर में ही होगा क्या? Is this going to happen only in first year or every year? Every year, automatically with growth आ गया ना फिर, समझे everyone? अगर थोड़ा सा calculation भी करना रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हो, 14,28,000 into 10%, which comes to 1,42,800 something, ठीक है? This will be the accrued interest in your bank account, but first year you will withdraw only 1 lakh. Second year, your bank will have 14,28,000 प्लस ऊपर का अमाउंट जो तुमने विड्रॉ नहीं किया, उस पर फिर से बैंक आपको कितना देगा? 10%। मगर आप विड्रॉ कितना करोगे? 1,03,000, 1 lakh प्लस 3% एक्स्ट्रा, फिर से आपके बैंक में एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट के लिए रेडी है, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फिर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए विड्रॉ कर पाओगे। मगर हम ये कैलकुलेटर पे या एक्सेल शीट पे कहीं पर भी हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कितने आगे जाएंगे। बट आपको बेस लॉजिक समझा, आपके कैलकुलेशन वाइज 7% आपको मिलना चाहिए था, मगर आपको बैंक कितना दे रहा है? 10%। सो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग 3% एक्स्ट्रा, विच इज कॉल्ड ग्रोथ ईयर। गॉट इट? सो हमारे पास कितने फॉर्मुलेज हो गए? 4। पहले कल तक थे 2, आज हमने पढ़े और 2, और मल्टीपल का पूरा फॉर्मेट हमने पढ़ा, समझा अच्छे से। आज जो 2 पड़े उसमें से था पहला, इनफाइनाइट एन्युटी विदाउट ग्रोथ। इनफाइनाइट एन्युटी विदाउट ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था? पीवी इज इक्वल टू ए बाय आर। कहां से आया ये फॉर्मूला? इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पता है, उसके फॉर्मूले से ये डिराइव किया हमने। और उसी के आगे ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ एड मत करो, ग्रोथ लेस करो। किसमें से लेस करो? आर में से। उसका लॉजिक क्या है? बैंक आपको देते वक्त आर ही देगा, मगर आप कैलकुलेट करते वक्त आर को माइनस जी करके कैलकुलेट करोगे, तो ग्रोथ जितना पार्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ गए? एंड मल्टीपल कैश फ्लो वाला फॉर्मेट आपको समझा, ईयर कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब पीवीएफ, एंड लास्ट डीसीएफ। डीसीएफ का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, विच इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट? तो लास्ट कॉलम कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है। रेडी है? पूरा बेस लॉजिक क्लियर है सबको? सॉल्व करें कुछ क्वेश्चंस, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, इन्फ्लेशन रेट चेंज हो सकता है, आपका बैंक का आर का रेट चेंज हो सकता है, बट हम क्लासरूम एक्सरसाइज के लिए ये कांस्टेंट मान के चलते हैं, ग्रोथ भी और आर भी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आना दोस्तों, जिनके पास नोट्स नहीं है मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक है? कल से इसका सॉफ्ट कॉपी ओपन कर लेंगे हम लोग, मुझे याद नहीं रहा, बस सॉफ्ट कॉपी यहां पर मेरे पास रेडी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। सिंगल लाइन क्वेश्चन है दोस्तों, सब लोग ध्यान देंगे,
क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोर ईयर एन्युटी ऑफ रुपीज 20,000 डिस्काउंटेड एट 10%. क्या क्वेश्चन है? फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोर ईयर एन्युटी. क्या समझा इस सेंटेंस से? फोर ईयर एन्युटी क्वेश्चन स्टेटमेंट से क्या समझा? फाइनाइट एन्युटी है, समझ गए, ऑफ रुपीज 20,000. इसका मतलब कैन आई कॉल ए इज गिवन हाउ मच रुपीज 20,000. देन रेट ऑफ डिस्काउंटेड एट 10% ऐसा लिखा है, डिस्काउंटेड एट 10%. व्हाट इज 10%? आर. एंड नंबर ऑफ इयर्स फोर नहीं बोलते, 1-4 बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आपका एन्युटी 1-4 तक है. कभी कभी आपका एन्युटी 4-8 तक भी हो सकता है, करेक्ट, कुछ भी हो सकता है ना. इयर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कभी से भी शुरू हो सकता है. इसलिए जब ऐसा बोला गया फोर ईयर एन्युटी मतलब 1-4 तक है, ठीक है. एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, विल यू ट्राई? How much? 63,397. Okay, सबका आया, सबका आया. लास्ट बेंच उधर कॉर्नर में, आपका भी आया? हाँ, नहीं आया, क्यों? फर्स्ट डे आपका, फिर कैलसी नहीं लाए? शिफ्ट हो जाओ बाजू में, किसके पास, जिसके पास कैलसी है. सो गाइज, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सिंगल, मल्टीपल या एन्युटी? चलो एन्युटी का यूज किया. लास्ट बेंच इस साइड, यस, टेल मी द फॉर्मूला. पीवी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू पीवीएफ आर कॉमा एन. नाउ डू आई हैव माय एन्युटी विद मी? यस. हाउ मच? 20,000. सो शुड आई टेक इट 20,000 या 80,000? फोर ईयर्स है इसलिए 20,000 इंटू फोर करके 80 लेते क्या? कभी कभी मत लेना ऐसा. एन्युटी का मतलब होता है रिकरिंग अमाउंट, ठीक है. नाउ हाउ डू आई कैलकुलेट माई पीवीएफ? 1/1.1 इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस 4 बार, फिर एमआरसी, फिर या फिर क्योंकि फर्स्ट ईयर से इसलिए जीटी भी यूज हो सकता है. जीटी के केस में ओनली इज इक्वल टू 4 बार और जीटी दबाना है. बोलो आपके कैलसी पे कितना आता है फिगर? 3.1699. ऑल ऑफ यू, एंड योर फाइनल आंसर इज रुपीज 63,397. कुछ लोगों ने 4 डेसिमल लिया, किसी ने फुल अमाउंट लिया पूरा 3.1699 के आगे जो भी है, तो डिफरेंस माइनर आ सकता है, बट लॉजिक इज सेम. सबका आंसर आया? एग्जाम में ऐसे माइनर डिफरेंस 2-5 रुपए से आपके मार्क्स कट नहीं होते, ठीक है. जो भी डिफरेंस आता है क्लास के एंड में मेरे पास डिपॉजिट करके चले जाओ, बाकी मैं पेपर हैंडल कर लूंगा, ठीक है. तो गाइज योर प्रेजेंट वैल्यू इज 63,397. नाउ दिस साइड लास्ट बेंच मेरे सामने, हाँ आप पीछे आपके, हाँ. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन बेटा? 63,397 इंटरप्रिटेशन आई वांट. वेरी गुड. फोर इयर्स में जो आपको 20,000 रुपीज चाहिए, तो उसके लिए आपको आज 63,397 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. कितने रेट से? 10% से. वेरी गुड, बैठ जाओ. सबको समझा? कैलसी पे वेरीफाई भी हो सकता है, मानो मैंने आपको ये अमाउंट डालो प्लस 10% माइनस 20,000 प्लस 10% माइनस 20,000 चार साल करो, अमाउंट विल बिकम 0, करेक्ट? यस. नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं हम लोग. क्या वेरीफाई कर रहे हो? करेक्ट आया क्या? हाँ.
फर्स्ट क्वेश्चन गाइज आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू, प्लीज पे अटेंशन। और जैसे रीड किया वैसे जैसे अभी समरी लिखा था, मैं समरी यहां पर लिख रहा हूं बिकॉज काफी लोगों के पास नोट्स नहीं है, ठीक है। बट समरी मैं तभी लिखूंगा जब आपको समझे और आप मुझे बताओ। यू वॉन्ट टू एंडो अ प्राइज दैट वुड पे रुपीज 1 लाख पर एनम। मतलब क्या? आपको प्राइस पे करना है एवरी ईयर 1 लाख। व्हाट इज 1 लाख? एन्यूटी। ए इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख पर एनम बोला सिर्फ, कितने साल बोला ही नहीं है, फिलहाल तक तो नहीं बोला है। क्या लेंगे? इन्फाइनाइट। कुछ नहीं बोला, पर एनम बोला मतलब ऑब्वियसली सिंगल नहीं ले सकते, उसको इन्फाइनाइट लेना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम 5 ईयर, ऐसा नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। नाउ यू वॉन्ट टू मेक अ वन टाइम पेमेंट बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेयर यू वुड बी ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट ईयर्स। समझा क्या? आपको आज एक बार इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि आपको पता नहीं आप फ्यूचर ईयर्स में कहां रहोगे। सो एक बार अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो व्हाट इज दैट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कॉल्ड? प्रेजेंट वैल्यू। एवरीवन, प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है नहीं पता। यू वॉन्ट टू मेक अ वन टाइम पेमेंट, ऐसा बोला है सिर्फ, ठीक है। इफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज 10%, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज 10% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, हाउ मच विल यू हैव टू इन्वेस्ट टूडे? मतलब कितना आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अपन ने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर कैसे आएगा? पहली बात तो ये सिंगल कैश फ्लो है कि मल्टीपल है कि एन्यूटी? एन्यूटी। एन्यूटी में ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट में ये विदाउट ग्रोथ है कि विद ग्रोथ? विदाउट ग्रोथ। मैं अभी तक का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं हूं, आप भी मत पढ़ो प्लीज, अभी तक का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी तक के क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज विदाउट ग्रोथ। विदाउट ग्रोथ का फॉर्मूला याद है आपको? व्हाट इज दैट? पीवी इज इक्वल टू ए बाय आर। व्हाट इज ए? 1 लाख। व्हाट इज आर? 10,000, 10%। सो योर अमाउंट कम्स टू रुपीज 10 लाख्स। गाइस, इन केस ऑफ फाउंडेशन मैथ्स दिस क्वेश्चन यूज्ड टू कम फॉर 1 मार्क। In inter, this question is coming for 2 marks. So that means they expect good kind of presentation like this. Okay? Write the formula, write where A is equal to, R is equal to and everything. Okay? Samjha? Okay? Understood? Yahan tak ka part samjha? Ab second part padho. Bolo, second part kya hoga? If you want the price to increase by 4% each year, how much will you have to invest today? इसका मतलब ये लोग क्या ऐड किया, अलग क्या ऐड कर दिया उन्होंने? ग्रोथ दे दिया। कितने परसेंट का? 4% का। और ये आप पूछ रहे हैं कि आप बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? So it will be present value is equal to formula A upon R minus G. Everybody, so it will be 1 lakh divided by 10% minus 4%, which comes to rupees 16,66,667. Common sense use karo. Jab mujhe growth nahi chahiye tha, tab 10 lakhs. Jab 3% growth chahiye tha, apne example ke hisab se, to 14,28,000. Magar growth rate agar future mein zyada chahiye, तो आंसर इज कमिंग 16,66,667। सिंपल लॉजिक ये है कि फ्यूचर में तुझे जितना ज्यादा चाहिए उतना तेरा आज अमाउंट इन्वेस्ट ज्यादा होगा, तभी तो फ्यूचर में ज्यादा अमाउंट मिलेगा, समझे। इन दिस केस इट्स अज्यूम दैट ग्रोथ रेट कैनॉट एक्सीड आर। ग्रोथ रेट कैनॉट एक्सीड आर इज द बेसिक अजम्पशन हियर, बिकॉज जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा, विच इज लॉजिकल अजम्पशन, ठीक है। यहां तक का पार्ट क्लियर है? दोनों आंसर्स रेडी है? यू विल टेल मी द इंटरप्रिटेशन ऑफ 16,66,667। विल यू ट्राई? व्हाट इज दैट? क्या है इंटरप्रिटेशन बताओ ये आंसर का, ट्राई करो।
बोलो बोलो बोलो। आप ट्राई करो, हर साल हमें 1 लाख रुपीस इन्फिनिट ईयर्स के लिए चाहिए, तो आज 16,66,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इज इट करेक्ट? नो, थोड़ा गड़बड़ है। इफ यू वॉन्ट, हाँ बोलो, वेरी गुड। हर साल 1 लाख विड्रॉ करने विथ अ ग्रोथ ऑफ 4%, तो आज हमें 16,66,667 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपकी ग्रोथ नहीं चाहिए, जो आपने आंसर बोला था, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 10 लाख इन्वेस्ट करो फिर, तो ऊपर के 6 लाख मैंने बचा लिए फिर आप। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। अ फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट अ सम ऑफ रुपीज 1,100 एंड देन रिसीव अ रिटर्न ऑफ रुपीज 80 पर एनम परपेचुअली। क्या बोल रही है फाइनेंस कंपनी आपको? आज आप 1,100 इन्वेस्ट करो और आपको मिलेगा हर साल 80 80 80 80 80, तोड़ 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 तोड़। तो ऐसे केस में इन्फिनिट ईयर्स तक 80 80 मिलेगा आपको, ठीक है। शुड दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%? नो, रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट? कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करके आंसर चाहिए मुझे। हाँ बोलो, करेक्ट है ना? अगर हम 8% के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे 1,100, सो यू शुड गेट 1,100 इनटू 8 एवरी ईयर, दैट 8% दैट इज 88 रुपीज, वेयर एज दिस कंपनी इज गिविंग यू ओनली 80, मतलब 8 रुपीज एवरी ईयर आपको कम मिल रहे हैं। डोंट एक्सेप्ट, करेक्ट। दिस इज वन टाइप वेयर यू कैन सॉल्व दिस। अनदर टाइप, इसी को सॉल्व करने का दूसरा टाइप चाहिए मुझे। यस, थाउजेंड का अमाउंट कहां से आया? प्रेजेंट वैल्यू निकाला। ये सेकंड तरीका है आपका। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला? 80 डिवाइडेड बाय 8%, मतलब शी इज यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए बाय आर। वेरी गुड। तो ये सेकंड टाइप क्या है आपको यूज करना है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए बाय आर, योर ए एवरी ईयर फाइनेंस कंपनी इज ऑफरिंग यू 80, आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। सो लॉजिकली व्हाट वी आर डूइंग, कि सपोज मैं फाइनेंस कंपनी हूं, आप इन्वेस्टर हो, तो मैं जो आपको ऑफर कर रहा हूं 80 80 एवरी ईयर, आप उसका रियल वर्थ निकाल रहे हो और उसे मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ कंपेयर कर रहे हो, समझे? तो उसका रियल वर्थ कितना आया? 80 डिवाइडेड बाय 8% करोगे तो 1,000 आता है, मगर मेरी कंपनी आपको कितना मांग रही है? 1,100 मांग रही है। तो आपका रियल वर्थ था सिर्फ 1,000, जबकि आपको मांगा जा रहा है 1,100। कितना एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है? 100। क्यों दे? रिजेक्ट कर दो। समझे कि नहीं? सो राइट देयर, इसमें भी दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट ही हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है। अब फर्स्ट का पार्ट के मुताबिक रुपीज 80 इज एन्यूटी, एन्यूटी इज इक्वल टू 80 रुपीज पर एनम। यस और नो? 1,100 क्या है? कुछ नहीं है फिलहाल के लिए, अगर मैं उस मेथड से सॉल्व करूंगा ए बाय आर, तो 1,100 कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या निकाल रहे हैं? इसका रियल वर्थ निकाल रहे हैं और उसे हम कंपेयर करेंगे 1,100 के साथ, समझा? सो इट इज फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स, यूज द फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू ए बाय आर। वी फॉरगॉट टू राइट द आर, आर इज 8%, ए आर इज 8%, सो इट इज 80 डिवाइडेड बाय 8%, which comes to rupees 1,000, which comes to rupees 1,000. तो हम क्या बोलेंगे? Right there, the real worth
द रियल वर्थ ऑफ रिटर्न, द रियल वर्थ ऑफ रिटर्न गिवन बाय कंपनी, द रियल वर्थ ऑफ रिटर्न गिवन बाय कंपनी इज रुपीज 1000 ओनली, इज रुपीज 1000 ओनली. Therefore, we should not invest. Therefore, we should not invest. Therefore, we should not invest. Correct? Second part में क्या बोला जा रहा है? Will your decision change if the rate of interest is 5%? Yes. Why? Yes. Because now A by R will be 80 by 5, which comes to 1600. Whereas finance company आपको मांग रहा है 1100. आपको finance company कम मांग रहा है या ज्यादा? कम, तो accept कर लो, invest कर दो. Correct? जिस investment का real worth है 1600, उसको आपको कितने में मिल रहा है? वो 1100 में मिल रहा है, 1100 में मिल रहा है. You should invest. So right there, A is equal to rupees 80 per annum. R is equal to now 5%, present value is equal to question mark. Same formula, PV is equal to A by R. It will be 80 by 5%, which comes to rupees 1600. Conclusion will be, the real worth, sabka answer likh diya sabne? लिखिए कंक्लूजन. द रियल वर्थ ऑफ रिटर्न बाय द कंपनी, द रियल वर्थ ऑफ रिटर्न्स बाय द कंपनी इज 1600. देयरफॉर वी शुड इन्वेस्ट, देयरफॉर वी शुड इन्वेस्ट. आई होप सबको समझाए. दोनों जगह हमको इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1100 का है. इधर हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा मांग रहे हैं. इस केस में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि कम मांग रहे हैं. राइट? कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व वन कैलकुलेटर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर सिक्स, I'll tell you, we'll discuss the question, you will solve it. Okay? Assume that a deposit is to be made at year zero. What is year zero, you know? Starting matlab now. Now matlab present value. Year zero is nothing but present value. Jo koi year nahi hota hai, 12 mahine nahi hota hai aaj. Aaj ke samay ko sirf year zero bolte hai. Samajh gaye? Aaj ke samay ko sirf year zero bola ja raha hai, jisme koi 12 mahine ka period nahi hai, kuch nahi hai. ठीक है. सो अज्यूम दैट अ डिपॉजिट इज टू बी मेड एट ईयर जीरो. यू विल अंडरलाइन ईयर जीरो, यू विल राइट देयर नाउ. इनटू एन अकाउंट दैट विल अर्न 8% कंपाउंडेड एनुअली. उस खाते में जो भी अकाउंट में पैसा जाएगा उसमें हर साल इंटरेस्ट 8% मिलेगा. कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल में एक बार. कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब साल में दो बार. आई होप यू नो दैट. इट इज डिजायर्ड टू विड्रॉ रुपीज 5000 थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ एंड रुपीज 7000 सिक्स इयर्स फ्रॉम नाउ. मतलब उस खाते से आप कितनी बार विड्रॉ कर रहे हो? दो बार. पहला विड्रॉल 3 साल बाद, कितने अमाउंट का? 5000 का. दूसरा विड्रॉल कौन से ईयर में? सिक्स ईयर में, कितने अमाउंट का? 7000 का. ठीक है. What should be the size of your zero deposit that will produce these future payments? तो in short, year zero, year three, year six. Year zero में कितना investment करेंगे कि year three में रुपीज 5000 विड्रॉ कर पाए
एंड ईयर सिक्स में रुपीज 7,000 विड्रॉ कर पाए, राइट। ऊपर जो जगह दी है टेबल के ऊपर वही एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो आप वहां पर। सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या हो रहा है, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ना इन्वेस्टमेंट है ना विड्रॉल है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही बार किया, कब? ईयर जीरो में। कितना नहीं पता। फर्स्ट ईयर में क्या किया? नो विड्रॉल नो इन्वेस्टमेंट। सेकंड ईयर में नो विड्रॉल नो इन्वेस्टमेंट। थर्ड ईयर में विड्रॉल कितने का? 5,000 का। फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर नो विड्रॉल नो इन्वेस्टमेंट। सिक्स्थ ईयर डायरेक्टली विड्रॉ 7,000। कुछ लोग आंसर बोल रहे मुझे 8380। पहला आंसर आया 8380। एनीबडी एल्स जो दूसरा कोई आंसर बोल पाए? 8054। और कोई आंसर? एवरीबडी शुड ट्राई। यहां पर लाइव स्ट्रीम में 8380 आया आंसर। 3454। तीसरा आंसर। Anybody else? That's it. हो गया, इतना ही है। अच्छा तुम सब में से how many of you got 8380? Oh my God, so many of you. Okay. Answer number वन के लिए काफी लोग हैं। Answer टू 8054 किस तरह कितने लोगों का आंसर आया? 1, 2, 3, 4, 5। बहुत कम लोग आया, रिजेक्ट। 3454। 1, 2 ओनली 2 रिजेक्ट। हम जनता के साथ जाना चाहते हैं। 8380 सही आंसर है। 3454 में तो ऐसा हो जाएगा, मेरे इतने कम इन्वेस्टमेंट में आप इतना ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो, क्या किया? एन्यूटी लिया। बट मैंने स्पेसिफिकली बोला था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ नहीं है, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर कुछ नहीं है। अच्छा आंसर कितने लोगों का नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड। आंसर कितने लोगों का नहीं आया, समझा ही नहीं क्या करना चाहिए, ऐसे कितने लोग हैं? कम ऑन रेज योर हैंड। ओके सो मेनी ऑफ यू, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अगर सब कुछ आता तो तुम इधर क्यों आते, पहली बात। और दूसरी बात, अगर नहीं आया और तुम्हें वो यहां समझ रहा है, ये कभी भी बेटर है डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा होने से। इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी जब ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू, ये तो सबको समझा। जस्ट बिकॉज वहां लिखा था कंपाउंडेड एनुअली, इसलिए कंपाउंडिंग करना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? दूसरी बात, आपको अमाउंट वन टाइम विड्रॉल करना था या हर साल, या ऐसा कोई हर साल बोलकर नहीं था, हर साल नहीं था ना। टाइम पीरियड फिक्स था क्या? टाइम इंटरवल फिक्स था क्या? टाइम इंटरवल फिक्स है क्या? देखो अच्छे से, यस टाइम इंटरवल फिक्स है। अच्छा फिर अमाउंट फिक्स है क्या? नहीं तो उसे एन्यूटी बुला सकते हैं क्या? इसका मतलब ये क्वेश्चन एन्यूटी भी नहीं है और सिंगल कैश फ्लो भी नहीं है, तो क्या बन गया? मल्टीपल कैश फ्लो। यहां तक समझा स्टोरी? मल्टीपल कैश फ्लो अगर ये है तो इसका मतलब मल्टीपल कैश फ्लो का फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है? फॉर्मेट नीचे ड्रॉ किया हुआ है, आपको फॉर्मेट के ऊपर पहले ये एक्सप्लेनेशन लिखना था। लिखा क्या आपने? ये एक्सप्लेनेशन लिख दो, ठीक है? फॉर्मेट के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन लिख दो, फॉर्मेट की हेडिंग दो स्टेटमेंट शोइंग फॉर्मेट की हेडिंग रहेगी स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू।
स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सर आपने तो चार कॉलम का फॉर्मेट बोला था, यहां पांच कॉलम है, एक कॉलम एक्स्ट्रा है गाइस। पे अटेंशन, फर्स्ट कॉलम इज सेम ईयर बट सेकेंड कॉलम जो है वो है पर्टिकुलर्स। क्या है? पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखते अपन कि वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम क्या आना चाहिए बोलो? कैश फ्लो। नेक्स्ट कॉलम क्या आना चाहिए? डिस्काउंटिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन में कितने रेट से? तो 8% ले लेंगे। एंड लास्ट कॉलम डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ओके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब प्रेजेंट वैल्यू। सबको ये तो समझ गया होगा कि हम ये फॉर्मेट क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज मल्टीपल कैश फ्लो। नाउ टेल मी, इन दिस फॉर्मेट शुड आई टेक ईयर जीरो? नो, बिकॉज उस वक्त की तो वैल्यू निकालनी है अपने को। शुड आई टेक ईयर वन? नहीं, बिकॉज उधर कुछ हो नहीं रहा है। टू में भी कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्टली कम टू ईयर थ्री। ईयर थ्री एंड उसके नीचे ईयर सिक्स, दोनों जगह यू वॉन्ट टू विदड्रॉ। इज इट कैश आउटफ्लो और इनफ्लो? यू वॉन्ट टू विदड्रॉ। कॉन्ट्रा एंट्री पास किया होगा बैंक का, यू वॉन्ट टू विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। सो अपन कैश अकाउंट डेबिट बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट बोलते हैं, बिकॉज पैसा विड्रॉ करने के बाद आपके हाथ में आता है। तो विड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए? कैश इनफ्लो। बैंक से विड्रॉ मतलब आउटफ्लो, ऐसा मत सोचो। कैश में क्या हो रहा है, वो पैसा आ रहा है ना, तो फिर कैश इनफ्लो। नीचे भी कैश इनफ्लो, क्योंकि दोनों जगह विड्रॉ। सो थर्ड ईयर कैश फ्लो हाउ मच अमाउंट शुड आई राइट? 5000। एंड सिक्स्थ ईयर कैश फ्लो 7000। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 किया रहेगा आपने, उससे आंसर 0. क्या किया? इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर। लिखा क्या आपने कहीं पर? एम प्लस दबाया क्या? दोनों भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? एम प्लस क्यों नहीं दबाना है? एन्यूटी नहीं है, फर्स्ट ईयर में कुछ हुआ ही नहीं है। सेकेंड टाइम इज इक्वल टू नो एम प्लस नथिंग डूइंग। थर्ड टाइम इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो लिखना है। कितना है? 0.7938। ओके, फोर्थ ईयर इज इक्वल टू, फिफ्थ ईयर इज इक्वल टू नथिंग डूइंग, सिक्स्थ ईयर इज इक्वल टू अमाउंट कम्स टू 0.66 6302 एंड देन मल्टीप्लाई दिस टू टेक द टोटल, बराबर ना? तो योर अमाउंट कम्स टू 8380। आई होप सबका आंसर आ गया रहेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली ये दिखा रहा हूं 8380। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 8380? इफ यू टुडे इन्वेस्ट 8380, थर्ड ईयर यू विल विड्रॉ 5000, सिक्स्थ ईयर यू विल विड्रॉ 7000। इन्वेस्टमेंट इज डन एट द रेट ऑफ 8%। समझ गए? इसको वेरीफाई करके देखिएगा एक बार। कैलसी लो 8380, कैलसी पर ले लो 8380। फर्स्ट ईयर प्लस 8%, नो माइनस नथिंग। सेकेंड ईयर प्लस 8%, नो माइनस नथिंग। थर्ड ईयर प्लस 8% माइनस 5000। फोर्थ ईयर प्लस 8%, फिफ्थ ईयर प्लस 8%, सिक्स्थ ईयर प्लस 8% माइनस 7000। आंसर इज 0। समझे सब लोग? एकदम कंफर्टेबली समझ रहे? ग्रेट। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। राइट द कंक्लूजन, टेबल के नीचे जगह है आपके पास। देयरफॉर वी नीड टू इन्वेस्ट रुपीज 8380 नाउ टू विड्रॉ रुपीज 5000 3 years from now and rupees 7000 6 years from now।
full stop. And then the amount will withdraw down to zero. You remember withdraw down to zero? Kam kam hoke wo khatam ho raha hai. Correct? Ek question try karenge wapas. Question number. ठीक है कोई बात नहीं, होमवर्क ले लो, फिर एक नहीं दूंगा ऐसे होमवर्क, दो दो मिनट के रहे. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3, एंड you will try. I am sure you will not get the answer. This is my challenge. This is my challenge. Okay. Yes. And you will try question number 4, but in the notebook. Rough mein try karna question number 4. Theek hai? So question number 9 and 3 is your homework and question number 4 is your challenge. And ऊपर के दो तो सॉल्व करना ही है, बट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सॉल्व करना ही है दोस्तों. ठीक है एवरीवन. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग सुनो, ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पर है, हम लोग कल खत्म हो जाएगा. ये वैसे भी इंट्रोडक्टरी चैप्टर था आपका. ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर नेक्स्ट शुरू होगा लिवरेज. तो एक काम कीजिए, आज चार्ट बुक से रिविजन कर लीजिए एक बार. ठीक है, एफएम चार्ट बुक से आज रिविजन कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच गाइज, आई एम लीविंग यू 5 मिनट्स अर्ली टुडे. गुड बाय, सी यू सून.